Bismillah, my name is Ali. My name is Yafran Ali, and I'm a web entrepreneur, professional blogger, and one of the youngest web entrepreneurs from Pakistan. I'm a current dream student in Surfside University and in just for first semester. So why I'm here today is to inspire you people that what are you doing in your life? You are a student? Yes, you are. But you can do something else for yourself. You can build your own empire. But what are you doing? You are just wasting your time in some extra activities instead of establishing your own empire. So why can't you be the next Mark Zuckerberg? You all know Mark Zuckerberg. He's one of the founder of Facebook, who just founded his website right when he was of your age. He was in Harvard University when he started using Facebook and invented a website called Facebook, and which is now one of the biggest websites of social media. So why can't you be the next Mark Zuckerberg? The reason is that due to extreme economic recession and increasing number of jobless people, almost everyone is failing in his struggle for survival due to insufficient income resources. One of the biggest questions today is that how to make money online. And for the reason is that कुछ करेगा, ये कुछ नहीं करेगा।
have happened. So the fact is that that thing really changed my life. But I was in 10th class when I started blogging. I jumped into blogging. Somehow, I need money. I need to support my family who was going through some financial crisis. So this was the fact that I had to change my lifestyle because I was completely I have to change myself. And this is the reason why I am today, because of the fact that I changed my life in 10th class. बचपन से लाइफ चेंज हो रही है यार अपनी 21 22 साल 23 साल ही हो जाओगे यार तब आप इंडस्ट्री में आओगे तो बचेगा क्या 21 साल आपने अपनी लगा दी अपनी पढ़ने में लगा दी अब आप 21 साल अपनी मेहनत पढ़ाई की आप बेच रहे हैं सिर्फ 15,000 रुपए के लिए क्या फायदा थी पढ़ाई का जो आपको सिर्फ 15,000 रुपए कमा के दे रही सो आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग एट द 10th व्हेन आई वाज 16 सो आज वही बंदा जो एक फेलियर था वो 1 मिलियन पीपल को उसको फॉलोअर है उसके 1 मिलियन फॉलोअर है पूरी दुनिया और 1 मिलियन से मुराद है 10 लाख सो द फैक्ट इज दैट और मेरी वेबसाइट जो है वो दुनिया में 6,000 रैंक पर है मतलब एक वेबसाइट जो कि दुनिया में लाखों करोड़ों वेबसाइटें होती हैं उसकी उसकी रैंकिंग में 6,000 रैंकिंग है उसका मतलब ये है कि कुछ तो होगा यार बंदे के पास कि 6,000 रैंकिंग आई है सो द फैक्ट इज दैट कि आप इससे ज़्यादा रैंकिंग ले जा सकते हैं सिर्फ आपको पढ़ना ही है कि बस आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे लगा दें अपने काम से आए बच्चा पढ़ के आया ब्लॉगिंग स्टार्ट कर 2 घंटे लगा दे बस और कुछ भी नहीं बहुत सिंपल सा काम है इंग्लिश अच्छी है आपकी आपने थोड़ी रिसर्च कर ली थोड़े दर दर से देखा पढ़ा लिख लिया डेली एक आर्टिकल लिख दे और बस इस ये करना है आपने और आपकी अर्निंग शुरू हो गई तो ये मेरी स्टोरी थी कि व्हाट वाज योर पास्ट दैट इज योर पास्ट आपको फ्यूचर पे कॉन्सेंट्रेट करना है और अपनी लाइफ बदलना है इसी तरह वेबसाइट ये मेरे मेरा एक ब्लॉग है जिसकी रैंकिंग है 15,000 की रैंकिंग है दुनिया में और इसमें मेरे तकरीबन 15,000 फॉलोअर्स हैं थ्रू आउट जिनको मैं जो मेरे से अपडेटेड रहते हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ उससे मुझे अर्निंग होती है इतनी अर्निंग हो जाती है कि मेरे इस वेबसाइट पे 3 एम्प्लॉयज हैं जो बैठे हुए काम कर रहे हैं मैं खाली उनको देखता वरना शुरू में मैं भी पहले खुद ही करता था जिसे तो वेबसाइट आपको टॉकिंग अबाउट जिसकी 6,000 रैंकिंग है यहाँ पे हम लोग टेम्पलेट और थीम सेल करते हैं मतलब हमने थीम एक चीज बना के डाल दी अब वो बिके जा रही है उसकी सेल हो गई 1,000 सोचे हमने एक ही चीज बनाई और 1,000 सेल हो गए हमारे पास इतना स्टॉक है कि वो बिके जाए क्योंकि ये डिजिटल प्रोडक्ट है टेम्पलेट एंड थीम आर डिजिटल प्रोडक्ट्स सो ये वेबसाइट है इसमें मेरे 3 एम्प्लॉय और हैं एक एम्प्लॉय है अमेरिका से है एक एम्प्लॉय पाकिस्तान का अपना है और एक एम्प्लॉय ट्यूनिशिया से है यूरोप में ये सब लोग अपने घर से बैठे काम करते हैं हम लोग कनेक्ट रहते हैं एक अपने कॉन्फ्रेंस में स्काइप कॉन्फ्रेंस रखते हैं वीकली हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती है वहां डिस्कस करते हैं हाउ टू ग्रो आवर कंपनी सो ये टेम्पलेट है इसकी वेबसाइट का नाम ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर मोटिवेशन मैं आपको थोड़ी पैसे भी दिखा सकता हूं कि कितनी अर्निंग मैंने करी है फिलहाल इट इज नॉट माई कंप्लीट अर्निंग सिर्फ आपके लिए है कि आपको मोटिवेशन मिल सके कि आप कुछ कर सकते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन ये मेरी वेबसाइट के थ्रू मैंने एड्स बेचे हैं वेबसाइट में हम लोग जैसे टीवी में आप लोगों ने देखा होगा एड्स चलते हैं प्रोग्राम आ रहे होते हैं उसमें एड आ रहे हैं बीच बीच में उसी तरह से वेबसाइट में भी एड्स होते हैं आप लोग पूछते हैं वेबसाइट बना दी अब उसमें अर्निंग कहां से करें तो अर्निंग के लिए हमारे पास ये होता है कि हम एड लगाते हैं वेबसाइट पे हम एक एड बिकता है एक एड जैसे आपने लगाया तो बिक गया 10,000 रुपये का सोचिए एक बंदा दिन से रात काम कर रहा है और वो 10,000 रुपये कमा रहा है आपको एक एड से 10,000 रुपये मिले और ये मिनिमम बता रहा हूँ जो बनना चाह रहा है उसको बढ़ने दें उसको उसकी कोशिश करें कि उसको वो पढ़ाएं जिसको वो इंटरेस्टेड है
तो टाइम में भी लोग ये होते हैं वो आपको अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि बचपन से उनको वही सिखाया जाता है, उनकी उनको ये कहा जाता है यार एजुकेशन लो, पीएचडी करो, मास्टर्स करो, ये करो वो करो, जॉब करो, मतलब तुम अपनी कंपनी मत खोलो, ये वो मत बनो जो जॉब बनाए, वो बनो जो जॉब करे। इफ यू कांट फाइंड अ जॉब इन्वेंट वन, जस्ट माय कोट एजुकेट को लैक करते हैं लीडरशिप में, वो कोई जॉब ओरिएंटेड लोग फाइनेंशियली वीक होते हैं और वो वर्क करते हैं दूसरे लोग के, इसलिए बन जाते हैं यार मैं क्यों किसी के लिए वर्क करूं, मैं अपने अंदर अंडर किसी को क्यों ना वर्क करूं, मैं क्यों किसी के लिए वर्क करूं जब मैं खुद इतना कर सकता हूं। हर बंदे में साइज होगी, हर बंदे के पास वही दिमाग है जो पहले के पैदा हूँ, हर बंदे के पास वही है, पर मसला ये है मोटिवेशन नहीं है, इंस्पिरेशन नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटीज कुछ पढ़ाती नहीं है, जो पढ़ाती है वो सारा बस पता ही आपको क्या होता है, बस रट्टा मार के पास करो पता। और सबसे बड़ी बात लोग क्या कहेंगे, हर बंदा यार ये बोलता है यार ये क्या बोलेगा यार छोड़ मैं नहीं कर रहा, लोग क्या कहेंगे, मैं खड़ा हूँ मुझे पीछे से कितने लोगों ने बोला कि यार बच्चा यार लोग क्या कहेंगे बेकार है यार, आवाम आए ना आए पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स हो, कब आ जाए ना आए, तो सबसे बड़ी बात लोग ही फिक्र नहीं करें, डू व्हाट यू वांट। ये टाइप के लोग हैं जो मेजॉरिटी है टाइप की बैठी है, ये दो तीन लोग हैं जो ब्लॉगर्स हैं, ये इनका मुझे पता नहीं है ये कौन सी टाइप के हैं, ये बताएंगे कौन सी टाइप के हैं, टाइप बी में ना। तो मसला ये है कि टाइप ए के जो लोग होते हैं वो मेजॉरिटी है टाइप ए की है, 90% है टाइप ए के लोग बैठे हैं, तो आपको टाइप बी में कन्वर्ट होना है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, आपको किसी पर डिपेंड नहीं करना यार मैं क्यों डिपेंड करूँ किसी पे, मैं खुद कमाऊंगा, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगा, मैं क्यों डिपेंड करूँ, मैं अपनी फैमिली पे बड़ा हूँ मैं सपोर्ट करूंगा, छोटा हूँ सपोर्ट करूंगा, मैं क्यों भाई मेरी फैमिली ने मुझे इतना इंतजाम कर दिया अब मैं क्यों ना कमा के दूँ, मेरा राइट बनता है यार, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहन भाई हैं, जो सपोर्ट करूंगा वो मैटर को मुझे क्या दे रहे हैं, लेकिन मुझे सपोर्ट करना है, अपने आप को डिपेंडेंट बनाना है अपने आप को अर्निंग करने के लिए अपनी, लेकिन ये बात जरूरी है कि एजुकेशन को नहीं छोड़ो, सो एजुकेशन नहीं छोड़े और जो याद करें आप लर्न करें उसको अप्लाई भी करें, ये नहीं है किताबों में पढ़ के छोड़ दिए। सो अच्छा जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो ग्रेट लीडर्स होते हैं, ये नहीं होते यार मैं नहीं प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो वीरेंद्र यहाँ पे मैं दो बैठे में सवाल ही नहीं पूछ रहे, मुझे पता ही नहीं आ रहा क्या करूँ, लीडर ही नहीं है वो, फिर लीडरशिप की क्वालिटीज नहीं है। सो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो शो नहीं करते, वो बिल्कुल आम आदमी की तरह होता है, जैसे मैं बिल्कुल कॉमन मैन की तरह, वो शो नहीं करते यार मेरे इतना पैसा है, मेरी जेब में इतने रुपीज हैं, मेरी जेब मेरे बैंक अकाउंट में इतने भरे हुए पैसे, वो कभी शो नहीं करते, दे कीप देयर सेल्फ देम टू देम सेल्फ, और जब जरूरत होती है मोटिवेशन के लिए देन दे कम आउट, और वो भी अपनी इतनी अर्निंग दिखाते हैं कि बंदा यार मोटिवेट हो जाए यार मैं कमा सकता हूँ। सो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो जॉब्स क्रिएट करते हैं, तो ये भी एक सोर्स है कि एंटरप्रेन्योर्स आर क्रिएटिंग जॉब्स फॉर अदर्स। और अगर आप एक बात बताओ, अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमा नहीं सकते, इंटरनेट पे आप जो के पास जॉब कर सकते हैं जो कि आपको इतनी अर्निंग देगी कि आप एम्प्लॉय बनने की जरूरत नहीं होगी। मेरा एक दोस्त है वो अमेरिकन कंपनी में काम कर रहा है and he's earning almost 2 lakhs a month simply writing content, so simple english usko yaad aati hai thoda bahut pata hai, he's writing articles and earning 2 lakhs, aap log bhi 2 lakhs kama sakte ho, ye usko aati hai na, ye isi aati hai na, to english jab aati hai to kyun nahi likh sakte, you can do it, study se book, aur aakhri point plan ek ka ye type ek ka ye hota hai wo plan implement hoti hai, jab implement shuru hote hain plan implement karte hain, we plan banate hain and they do what they like, they don't do what others like. So these are the two types of people. 80% Pakistanis, or 80% even more, some bolta hu, 95% Pakistanis are from type A. Mushkil se 5% bhi agar log type B ke ho na, to still Pakistan bahut piche hai. Still Pakistan. Kyunki jo Jewish community hai, Israel ka naam suna hoga. Israel ka naam suna hai aapne? Wo log itne haavi kyun hai? वो जब उनका बच्चा पैदा होता है 7 साल का होता है उसको सिखाता है यार तुम स्टॉक मार्केट से खेलो मार्केटिंग करो बेचो चीजें बेचना सीखो वो ये नहीं सिखाते यार ये करो जो मैं चाहता हूँ उनको खुला छोड़ते हैं उनको कहते हैं यार तुम्हें जो करना है करो और मार्केटिंग सीखो अपनी अपनी कंपनी खोलो ना कि किसी के स्लेव बनो तो पाकिस्तान में क्या है पाकिस्तान में यही चीज है यार जॉब कर दो यहाँ पे एक बच्चा जैसे पास होता है जाता है किसी कंपनी में उसको पता था कि जॉब मिल जाती है वो खुश हो जाता है यार 15,000 तो आ रहे हैं ना 15,000 बस अब तक है एक हफ्ता है वो जॉब चली जाएगी ठीक है भाई
जॉब नहीं करनी, और कौन जॉब करेगा यहाँ पे? बस अब सभी साइलेंट बैठे हैं, सो रहे हैं, जा रहे हैं, रुदा लग रहा है, रुदा लग रहा है, मुझे रुदा करना चाहिए। तो यहाँ पे सभी बैठ, कोई मुझे बोल नहीं ना जॉब करेंगे, लेकिन ध्यान नहीं करने जॉब ही, मैं यहाँ पे जितना भी अपना गला फाड़ के बोल दूँ करनी जॉब। तो यहाँ से हमारा सभी काम स्टार्ट है, उससे मोटिवेशन नहीं लिया था कि आपको थोड़ा जगा दूँ, फिर भी आप सभी सो ही रहे। कोशिश ये है कि आपको यहाँ से आप जब उठ के जाएं तो कम से कम आप काम स्टार्ट करें। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप यहाँ से उठ के जाएंगे आपके जेब में 50-60 हज़ार रुपये, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो हम यहाँ पे गला फाड़ते नहीं, हम भी आते 50-60 हज़ार रुपये जेब में रखते और निकल जाते। तो यहाँ से अगर आप ये सोचें कि उठ के जाऊंगा मैं जेब में 50 हज़ार रुपये पड़े होंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो सबसे पहले आपको किसी को पता है फोटोशॉप क्या होता है? आपको तो पता ही होगा क्या होता है, पर फोटो एडिटिंग होती है, डिजाइनिंग होती है, क्या होता है भाई, एडिटिंग और डिजाइनिंग बस। अच्छा किस किस का फोटोशॉप आता है फुल आता है? अच्छा लोगो बना लोगे? लोगो फ्रंट एंड डिजाइनिंग मतलब बेचते क्यों नहीं हो लोगो बना करते हैं? करते हैं। कितना कमा रहे हो? इंस्टा नहीं होता, सीजन पे होता है। अच्छा सीजन क्या? ये यही बात है सीजन पे होता है। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनकी कंसिस्टेंट अर्निंग होती है। जब तक आप एंटरप्रेन्योर तब तक नहीं बनेंगे जब तक आपकी अर्निंग यार तकरीबन 30-40, 50-60 हज़ार या 1 लाख तक नहीं और हर मंथ आ रही है। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है यार? अपनी कंपनी है, कंसिस्टेंट फ्लो में अर्निंग आ रही है और हमें फायदा हो रहा है। और हमारे असल में जो हमारी कंपनी होती है देयर आर एसेट्स, हमारी जैसे प्रॉपर्टी है हमारा एसेट है, ऐसे ही वेबसाइट मेरा एसेट है। अगर मैं चाहूँ भी बेच दूँगा इसको तो मुझे तकरीबन इतने पैसे मिलेंगे कि मैं 3-4 घर खरीद लूँ, मतलब ऐसी चीज होती है। तो एक एक प्रॉपर्टी एसेट है हमारा वेबसाइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है यार, हमें फोटोशॉप सीखे भाई। फोटोशॉप सीखने के लिए लगते हैं 40-50 हज़ार रुपये लगते हैं? नहीं नहीं रुकिए, किसी इंस्टीट्यूट में जाए 40-50 हज़ार रुपये लगेंगे। यूट्यूब ट्यूटोरियल, दैट्स द पॉइंट। आपको यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे जाकर पूरी फोटोशॉप सीखनी है। आपको 6 महीने मिनिमम लगेंगे पैसे कमाने के लिए, और यकीन कीजिए वो 6 मंथ के बाद अगर एक और 6 मंथ लगा दें तो पैसे ट्रिपल हो गए, डबल हो गए। जॉब में क्या होता है, बढ़िया बढ़िया नहीं बढ़ी नहीं बढ़ी। और इसके अलावा बहुत अर्निंग के वेज हैं, मैं आपको यहाँ पे वो भी बताऊंगा और ब्लॉगिंग का भी बताऊंगा, और आपको इतना सिखा दूंगा कि घर जाके आप भरपूर प्रैक्टिकल कर लो। तो सबसे पहले फोटोशॉप सीखना है, उसके लिए आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। उसके बाद आपने सीखना है, किसी को पता है फेसबुक कौन से लैंग्वेज में बनी हुई है? PHP में बनी हुई है। तो आपको यार आप PHP क्यों नहीं सीख सकते? यहाँ पे कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बंदा है, कंप्यूटर से रिलेटेड काफी बंदे हैं, तो यार हम लोग PHP क्यों नहीं बनाते? सर सिंपल स्क्रिप्ट जिसको बनाई हुई है, हम शुरुआत लेते हैं, क्या पता हम भी कोई बड़ी चीज बना लें। यार शुरुआत तो लो, कोशिश तो करो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें HTML सीखनी है। HTML मेरे पास है, मैं आपको सिखाऊंगा, आपको फ्री में सिखाऊंगा। CSS सीखनी है, वेबसाइट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है HTML, CSS और JavaScript छोड़ दें, आप PHP कर दें। इन सब के ट्यूटोरियल्स आपको मिलेंगे, आपको खाली याद पढ़ना है, कोडिंग सीखनी है, और सिंपली आप उसके जरिए एक वेबसाइट अगर आप बनाएंगे, अगर आप बिल्कुल शुरू से वेबसाइट बना रहे हैं, यकीन कीजिए 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ ऐसे की बिकती है। अगर वो बनाई आपने खुद पूरी स्क्रिप्ट बनाई तो व्हाई नॉट वी गेट टू दिस, व्हाई नॉट वी? अमेरिका के लोग करते हैं, उनके पास जो दिमाग आया जो हमारे पास दिमाग है, बस फर्क ये है उनके पेरेंट्स उनको रोकते हैं। फैमिली का नहीं, अपना तो डालूंगा, अपनी चीजें खरीद लूंगा, अपने कपड़े खरीद लूंगा। तो सबसे पहले आपको फोटोशॉप सीखना है, जस्ट अ वे ऑफ लर्निंग, आपके काम भी आएगा, आपको अर्निंग भी देगा, और आप सेल्फी कर सकते हो उसके चीजें बना के। मैं आपको तरीका भी बता दूंगा सेल्फ करने का, फिकर नहीं कीजिए, आप सिखा के जाऊँ। यहाँ से उठेंगे आप सीख के उठेंगे, तो HTML, CSS, PHP आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। ये भी एक तरीका है वेबसाइट बना के बेचने का, ये भी बताऊंगा। आप www.school.com से सीख सकते हैं, css-trick.com से सीख सकते हैं। इसके बाद आता है ब्लॉग बनाना। यार आप लोग एक वेबसाइट बना सकते हैं, आपको लगता है कोई यहाँ पे कितने बच्चों को लगता है वो वेबसाइट बना सकते हैं, कितने लोगों को लगता है? बस 20-30% होते हैं जिनको
तो लगता है वो ब्लॉग बना सकता है। मुझे तो लगता है आप एक 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 बंदा अभी ब्लॉग बना सकता है, अभी अगर सबको लैपटॉप दिए जाए अभी बना के उठ जाएगा वो ब्लॉग, इतना सिंपल। ब्लॉग स्पॉट इन वर्डप्रेस, वर्डप्रेस तो और ही आसान है, ब्लॉग स्पॉट तो फिर मुश्किल है थोड़ा, ये लोग थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन वो भी आसान है। लेकिन मतलब ये है कि यहाँ पे सब लोग ब्लॉग बना सकते हैं, अभी इनको लैपटॉप प्रोवाइड कर दूँ मैं, अभी मैं बता दूँ उनको, फॉरन बना लेंगे वो। ब्लॉग बनाना क्या है यार, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा। कोई यहाँ पे किसी को सेटअप इंस्टॉल करना आता है, कोई गेम इंस्टॉल करा है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, किसी ने कितने लोगों ने इंस्टॉल किया, शुक्र है भाई सबने किया है भाई, वैसी चीज़ है ये भी, कुछ भी नहीं है इसमें। तो java.com एक सॉफ्टवेयर टाइप चीज़ है आपके लिए, आपको मैं थोड़ा समझ में बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर टाइप चीज़ है जिसका आपको जाना है, अपना अकाउंट रजिस्टर करना है और सिंपल सा ब्लॉग बनाना है, वो मैं आपको ब्लॉग बनाना सिखा दूँ। तो ये है कि ब्लॉग बनाओ और पैसे कमाओ। कितने लोगों को लगता है ब्लॉग बना के पैसे कमा सकते हैं, जागरी के बारे में तो ब्लॉग बनाना है। blogger.com है क्या, blogger.com गूगल का एक प्रोडक्ट है भाई, गूगल का प्रोडक्ट है यार, अच्छा ही होगा, गूगल का नाम आ गया भाई, अच्छा होगा यार, ये तो इसको करते हैं तो लाजमी कुछ ना कुछ दे ही देगा। तो blogger.com एक वेबसाइट है जिसपे सिंपल हमको क्या करना है, सब कुछ गूगल प्रोवाइड कर रहा है, सब कुछ आपको गूगल दे रहा है, वो भी फ्री में, आपको एक रुपया नहीं लगाना, सिर्फ आपको अपनी मेहनत लगा, गूगल आपको सब कुछ देना है, आपको ब्लॉग बनाना है गूगल के सर्वर पे, सब कुछ गूगल के सर्वर पे होगा, सब कुछ गूगल करेगा, आपको खाली काम करना है बैठे और आपको पैसे मिलेंगे, उससे गारंटेड पैसे मिलेंगे, 6 महीने आपको काम करना रहा, एक बार बता दूँ आप काम करेंगे फायदा नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको मैं बता दूँ, टाइम लगेगा, टाइम देना है, आप टाइम दो पे लिख के दे रहे हो फायदा हो। तो blogger.com में ब्लॉग बना रहे हैं, सिंपल सा ब्लॉग बनता है, फंडिंग होती है, पैसे आते हैं, आप खाते हो पीते हो, मजे करते हो। ब्लॉग क्या होता है, आप तो सोच रहे यार चलान होते जा रहे हैं blogger.com ब्लॉग होता है क्या, मुझे तो ब्लॉग ही नहीं पता, ऑनलाइन डायरी मैंने बोला, इट्स अ टाइप ऑफ एन ऑनलाइन डायरी, लेकिन आजकल के ब्लॉग इससे भी एडवांस है। ब्लॉग का मतलब ये होता है कि आप अपने ओपिनियंस एक आर्टिकल के टाइप में लिख रहे हो और लोग आके पढ़ रहे हो, आपको एक ब्लॉग आपने अपने ओपिनियंस लिख रहे हो तो आपको एक ब्लॉग बनाना है। आप ब्लॉग किससे बना सकते हो, यहाँ पे कोई लोग टेक्नोलॉजी के इंटरेस्टेड होगा, कोई लोग कुकिंग के इंटरेस्टेड होंगे, कोई लोग इंटरटेनमेंट के होंगे, कोई लोग मीडिया के होंगे, किसी को यार मुझे क्रिकेट में लिखना है, मैं क्रिकेट की न्यूज़ कवर करता हूँ, यार मैं फुटबॉल कवर करता, फीफा आ रहा है यार, फीफा के ब्लॉग बनाते हैं, फीफा के ब्लॉग बनाएंगे, एड लगाएंगे, पैसे कमाएंगे, यार ये करते हैं। तो आपका जो इंटरेस्ट है उस पर आप ब्लॉग बनाएं, लिखें, कमाया जाए, अपना काम पूरा करें, अपना काम करो यार, किसी के स्लेव बनने की क्या जरूरत है, व्हाई वी शुड डू जॉब, व्हाई। सिंपली जाएं, अपना ईमेल डालें, पासवर्ड डालें, साइन इन करें, इस बटन को दबाएंगे वो आपको अगले पेज पे ले जाएगा, अगला पेज आपको ऐसा कुछ दिखेगा जो आपकी जीमेल की पिक्चर होगी वहाँ शो हो रही होगी। आपको क्या करना है, ये जब ब्लॉग बनाते हैं तो पूरी गाइडेंस होती है, तो जस्ट वही आपके लिए, अगर आप चाहें तो आपको रीड कर लें, मोर इन्फॉर्मेशन पढ़ लें, जो भी आपको करना है, जस्ट फॉर द सेक आप इसकी वो पढ़ लें। एग्रीमेंट कौन पढ़ते हैं, आप कभी किसी ने एग्रीमेंट पढ़ा, साइन अप करते हुए एग्रीमेंट पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ता है, आई मीन इतनी इंग्लिश तो हमें खुद नहीं आती थी, उसमें लिखी भी होगी, यही पे हम पीछे रहता अमेरिकन स्टेट्स रीड ईच एंड एवरीथिंग, वो एक वर्ड भी नहीं छोड़ते यार, उनको पता है यार अभी नहीं पढ़ूंगा ना, बाद में आके पछता हो जाएगा, बाद में क्या होगा यार, ये गलती कर दी मैंने, वो बोलेंगे भाई तुमने एग्रीमेंट को एग्री किया था, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे पैसे गए, कितना रहता हुआ मेरे पैसे गए यार, गिर के सीखता है बंदा, गिरे बगैर नहीं सीख सकता। तो पढ़े पढ़े भाई पढ़े यार, पढ़ेंगे नहीं यार, अगर नहीं पढ़ेंगे तो करेंगे क्या, मैं आपको यही तो बोल रहा हूँ, आवाम हमारी आवाम क्या है, पढ़ती है, मैं यही बोल रहा हूँ यार, पढ़ो अमेरिका जैसे बनो, अमेरिका जैसे उनके जैसे बन जाओ यार, वो कहाँ है हम कहाँ है, वो हमें देखते हैं पाकिस्तानी है, हटाओ यार तुमको। I have a question. आप तो बोला कि agreement करनी चाहिए, लेकिन
लेकिन अग्रीमेंट करने का ऐसे कोई फायदा तो नहीं होता क्योंकि जैसे मतलब उसमें अगर हमें कोई चीज चेंज करनी हो तो चेंज तो नहीं करेंगे आप अग्रीमेंट क्यों पढ़ते हैं limitations to be informed about to know about the limitation of a platform aap ye aapka platform hi aapka platform kya hai aapka blog aap kis pe bana rahe hain blogger pe blogger kiska hai google ka rules kiska hai google ke aap agreement aati hai aap rules follow karti hain aapka agreement pata hoga nahi karti aur aage kya karta hai kya aisa bhi ho sakta hai commercial aapko I'm just saying the rules and regulations jo hai rules mein change to nahi karenge wo yaar aap हम लोग चेंज करने के लिए पढ़ते हैं हम लोग अप्लाई करने के लिए पढ़ते हैं तो अप्लाई हार्ड सेल जैक गाइडलाइन होती किस लिए रीड एंड अप्लाई जब हम करते नहीं है और रिजल्ट क्या होता है जॉब करने जाते हैं वहीं पे इंटरव्यू में हम इंटरव्यू में बोली मारते हैं एग्रीमेंट नहीं पढ़ा हमने हमें कोई गाइडलाइन नहीं है हमने कैटलॉग नहीं पढ़ी हमने अपनी यूनिवर्सिटी के रूल नहीं पढ़े अब ये नहीं पता यार यहाँ बैठना नहीं है कि रूम में नहीं जाना तो सिंपल गाइडलाइन आपको रीड करनी है इसकी जस्ट टू नो द सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस just to keep your blog safe continue kare aap aage simple sa button daba denge aap kuch nahi karna agar aap padhna cha rahe hain main to recommend karunga ki padh le nahi padhna to maine to padha nahi tha main sab bolunga jab maine bataya tha to maine nahi padha iska mujhe aage nuksan hua mere blog band ho gaye meri earning bhi gayi aur aapko earning apni dilwani hai 30,000 rupaye aapke kam kamaye hue aapko dena hai kisi ko google ko google ke jeb mein dalana hai to aap mat padho aage jaake aapko khud hi pata chal jayega aur sikh jaoge सिंपली ये बटन प्रेस करके आगे बढ़े लॉगिन करने के बाद उसके बाद आपके पूरा इंटरफेस दिख जाएगा पूरा ब्लॉगर में आपका नाम ऊपर लिखा होगा जो भी आपका नाम है उसके नाम के आपके ब्लॉग्स अभी यहाँ पे कोई ब्लॉग नहीं बने अभी आपका बिल्कुल ब्लैंक अकाउंट है आपको ब्लॉग बनाने तो सिंपली न्यू ब्लॉग पे जाके आप क्लिक करो न्यू ब्लॉग का आप क्लिक करोगे आपकी ब्लॉग का स्टार्ट हो जाएगी सिंपल एज सेटअप सभी को गेम सॉल्व किए सेटअप सबने सॉल्व किए होंगे आप सभी के बाद में एग्रीमेंट कुछ टाइप करने होते हैं जैसे जिसके नाम पर रजिस्टर करने आपको नाम तो आप ये ब्लॉग बना रहे आपको किस पे ब्लॉग बनाना है अब ये आप पे डिपेंड करता है आपको बनाना है फैशन पे आपको बनाना है न्यूज पे आपको बनाना है एंटरटेनमेंट पे तो जिसको जो बनाना है वो टाइटल लिख दे अपना अपने ब्लॉग पर मुझे पर्सनल ब्लॉग बनाना है सैयद फलाना नवीस पर्सनल ब्लॉग मैंने अपना नाम लिख दिया टाइटल में सैयद फलाना नवीस पर्सनल ब्लॉग सही है अवेलेबल नहीं होंगे जैसे ईमेल एड्रेस होते हैं बहुत से अवेलेबल नहीं होते ईमेल बनाने जाते हैं
आपको 1 2 3 डालने पड़ते हैं, इसमें आपको ये करना है आपको 1 2 3 ही डालना, आपको लॉजिकल कीवर्ड डालना। जैसे मुझे न्यूज़ का ब्लॉग बनाना है, मैं बना लूँ newsworld.blogspot.com, ये अगर ठीक है ना, तो मैं कोई वर्ड का उसको सिनोनिम यूज कर लूँ, वर्ड का सिनोनिम क्या होता है। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट लॉजिकल वर्ड बनाना है, 1 2 3 मत लगा दिए, एड्रेस को भी मत लगा दिया, मैं तो एड्रेस को एक्सेप्ट नहीं करता, 1 2 3 नहीं लगाना, लॉजिकल कीवर्ड लगाना है जो लॉजिक बनाए। आप किसी को बता रहे हैं, आप बताएंगे यार 1 2 3 4 blog.blogspot.com, बोलेगा ये क्या है, तो ब्लॉग ऐसा बनाया जिसको ये आप यूरल से समझ जाए बंदा, यार इसे ले सेंसिबल ब्लॉग का यूरल रखना है, एड्रेस रखना है। एड्रेस लिख लिया आपने, यूरल लिख लिया आपने, दो काम आपके हो गए, मतलब आप दो आपके काम हो गए, आप आखिरी एक स्टेप रह गया, ये कर लिया आपने आपका ब्लॉग तैयार, मतलब इतना बन जाएगा कि व्यूएबल हो जाएगा, आपको बस सिर्फ कंटेंट अपडेट करना है। ऐसा ये मुश्किल है, 12 साल का बच्चा कर सकता है, करना क्या है उसको, सिर्फ खाली नाम लिखना है, टाइटल लिखना है, सही है। उसके बाद ये टेम्पलेट्स है, मैं ये टेम्पलेट बनाता हूँ, मेरी वेबसाइट है templateism.com, जहाँ पे मैं टेम्पलेट बनाता हूँ। मैं अपने मैं ब्लॉगर का ब्लॉगर से मेरा कोई लिंक नहीं है, मैं सोल थर्ड पार्टी हूँ, मैं मेरा गूगल से कोई लिंक नहीं है, मैं खुद बनाता हूँ, खुद शेयर करता हूँ, लोग खरीदते हैं। और मेरी वेबसाइट ब्लॉगर की टेम्पलेट पे नंबर 1 वेबसाइट है, जो कि इससे 5 साल पुरानी वेबसाइट का भी बीट किया, 2 साल खाली 1 साल, तो जब मैं 1 साल में इतनी पुरानी वेबसाइट को बीट कर सकता हूँ, तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। I'm the same guy arising from you, your audience. मैं भी अभी नहीं बैठा हूँ, मैं आपको बताया। तो सिंपल टेम्पलेट का मैंने सेलेक्ट कर लें, ये 4-5 टेम्पलेट है जो ब्लॉगर ने खुद बनाई है, सही है। इसमें से आपको जो पसंद आया स्टाइल वाला स्टाइल जो भी पसंद आए, आप सिर्फ उसको पे क्लिक करें और क्रिएट ब्लॉग पे प्रेस कर दें। आप ये चीज सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें, आप मेरी टेम्पलेट यूज़ कर लें, फ्री टेम्पलेट है मेरी, और ये आपको टेम्पलेट सिंपल सिंपल लगेंगे, काफ़ी आप लोगों को सिंपल सी टेम्पलेट लगी होंगी, सिर्फ पिक्चर है और नीचे ब्लॉग। आपको एडवांस टेम्पलेट चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पर templateism.com, वहाँ पे जाके आपको सिंपली डाउनलोड करनी है, अपलोड करनी है, अपलोड का ज़िप फाइल आपको पता होगा, विंडोज यूज़ करिए, विंडोज यूज़ करिए, सिंपल सी अपलोड करनी है, टेम्पलेट आपकी रेडी हो जाएगी, सब कुछ फ्री है, आपको करना क्या है सिर्फ लिखना है, आप लिख भी नहीं सकते क्या करेंगे। तो यहाँ पर वो टेम्पलेट अपडेट कैसे करेंगे, यहीं पर जाकर? नहीं, यहाँ से अपडेट नहीं होगा, वो अंदर से अपडेट होगी, उसके मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं, मैं आपको लाइव दिखा दूंगा। जैसे आपका आपका ब्लॉग है न्यूज़ से रिलेटेड, आपने इसका टाइटल लिखा, अब कोशिश करेंगे कि बिल्कुल सेम टू सेम उसके जो आपका टाइटल है, जैसे आपका 15-20 वर्ड का टाइटल है, इतना बड़ा तो आप यूआरएल बना नहीं सकते। आप कोशिश करें एक या दो वर्ड का आपका यूआरएल, जैसे मेरा यूआरएल है templateism.com, इससे पता चलता है यार टेम्पलेट की कोई वेबसाइट है जहाँ पर टेम्पलेट मिलते हो। एक और मेरी वेबसाइट है myblogger.com, यहाँ पता चलता है यार यहाँ पे ब्लॉगर की कोई लैब है या सिखाते होगी कुछ ना कुछ तो होता होगा, बंदे को आइडिया हो रहा है। तो हमें कोई ऐसा कीवर्ड सेलेक्ट करना है जो अवेलेबल भी हो और उसका कोई सेंस भी नहीं, हम फ्री में ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि आवाम बहुत है, खाली पाकिस्तान तो है नहीं, इसके तकरीबन मिलियन के ब्लॉग है, रोज मिलियन ब्लॉग बनते हैं इसके। अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि ब्लॉगर है क्या, ब्लॉगर कहाँ तक पहुँचा हुआ है, हम लोग कहाँ बैठे हैं। 10 साल पहले आया था ब्लॉगर और हम अब सीखे, आप सोचें हम लोग कितने लेट चले। तो आपने टाइटल लिख लिया, एड्रेस लिख लिया, टीम फ्लैग कर ली, क्रिएटर ब्लॉग कर दिया, आप ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं बाद में भी सेटिंग में जाके, जैसे आप कोई चीज़ कॉल करते हैं आप सब उसको चेंज कर सकते हैं बाद में। वैसे इसका सिंपल सा इंटरफेस है, यूजर फ्रेंडली है। उसके बाद आपको पोस्ट कैसे करनी है, ये आपका ब्लॉग बन गया, मैंने आप टैग टीम के नाम से ब्लॉग बनाया था, रात को मैं प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहा था, सिंपल सा मैंने डेमो का ब्लॉग बना लिया। अब आपको पोस्ट करना है, यार पोस्ट कैसे करूँ, ब्लॉग तो बन गया, अब पोस्ट कहाँ से करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या दबाऊँ। ये पेंसिल का बटन आपको नजर आ रहा है, ऑरेंज कलर का आपको नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करें, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे आपको नीचे दिख रहा है बगल में क्रिएट न्यू पोस्ट, आपकी इतनी हेल्प कर देते हैं। अगर आप ऊपर ऊपर समझते हैं माउस उठा के किसी चीज पर रखना वो ऊपर के बाद रखेंगे तो क्लिक दबाएंगे आप क्रिएट करके खुल जाएगा आपके पास, बढ़ जाता है माइक्रोसॉफ्ट, बढ़ जाता है माइक्रोसॉफ्ट, बढ़ जाता है बिल्कुल तकरीबन वैसा ही है ना। ऊपर आपने लिखा पोस्ट का टाइटल, जैसे आप पोस्ट लिख रहे हैं वो भी पोस्ट लिख रहे हैं, जैसे आप पोस्ट लिख रहे हैं, जैसे आज की प्रेजेंटेशन हुई यहाँ पे, तो उसके बारे में जाके आप लिख रहे हैं, उसके बारे में आप जाके लिख रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे उसके बारे में, लिखेंगे यार IBM में गया मैंने ये करा मुझे ये सीखा, वो टाइटल होगा।
देन देयर आर प्रेजेंटेशन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन ब्ला 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 जो भी है आपका सिंपल टाइटल रहेगा ये आपकी पोस्ट कंटेंट है ये जो कितना भी ब्लैंक पेज है यहां पे आपको सिंपल इमेजेस डाल लें कोई लिखा साहब सवाल पूछे थे वीडियोस का आप पूछे थे शायद यहां पे टैग लगे वीडियो यहां डाल लें आराम से आप जो कंटेंट लिखना है आपको सिंपल जैसे आप वर्ड पे काम करते हैं कोई चीज फॉन्ट सेलेक्ट करने बोल्ड इटैलिक अलाइनमेंट इमेजेस लिंक्स हाइपरलिंक का किसको पता है हाइपरलिंक क्या होता है एनीवन किसी लिंक का दूसरे पेज पे जाओ हाइपरलिंक कहते हैं किसी भी कीवर्ड पे ऐसी लिंक बना देना कि उसको क्लिक करने से कोई वेबसाइट पे दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक लिंक और जो भी आप उसको आसानी से समझ जाए ठीक है तो ये यहां पे कंटेंट आएगा पोस्ट का उसको ऊपर वाले बॉक्स में पोस्ट हेडर आएगा आपकी हेल्प के लिए सब लिखा होगा फिर लोग एक्सट्रीम यूजर फ्रेंडली इंटरफेस इतना यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के हो सकता है सिंपल आप चुन लीजिए कैटेगरी का सही है ये आप देख रहे हैं आपको लेबल्स लेबल समझ नहीं है लेकिन इसको लेबल कर लीजिए सो दैट इज कॉल्ड अ कैटेगरी अब यहां पे जाके लिखते हैं फैशन आपने क्लिक किया फैशन फैशन करके डन कर दिया वो ऑटोमेटिकली एक पेज बनेगा आपके ब्लॉग पे फैशन के नाम से ऑटो बनेगा वहां पे आपकी सारी फैशन की पोस्ट आ लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी आप पोस्ट बनाएं तो सेम लेबल यूज करें जैसे आपने एफ का फैशन का एफ आपने बड़ा रखा है तो आप एफ हमेशा कैपिटल यूज करेंगे यहां पे लेबल करते हुए दूसरी पोस्ट बट वो दूसरा पेज बन जाएगा सिंपल लॉजिक गूगल सर्च का लेबल से निकाल लीजिए लाइक गूगल सर्च को डाल दीजिए दिस इज जस्ट फॉर यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस ऑफ अपने ब्लॉग के और यही चीज वर्डप्रेस में वर्डप्रेस में कैटेगरीज है वर्डप्रेस में कैटेगरीज है ब्लॉगर में लेबल है यहां मैं आपको वर्डप्रेस का बिजनेस सिखा रहा हूं क्योंकि वर्डप्रेस में चाहिए होगी इन्वेस्टमेंट मिनिमम 10000 रुपए तो लगते ही लगता है होस्टिंग होस्टिंग लेनी होती होगी इनको पता ही होगा सारे को मैंने आज तक वर्डप्रेस यूज नहीं किया फ्री में वर्डप्रेस wordpress.com है दैट इज बहुत ज्यादा लिमिटेशन है बहुत ज्यादा लिमिटेशन यू आर अर्न थ्रू दैट फंडिंग कर सकते ऐसा लगा मतलब wordpress के आईडी नहीं लगते लेकिन मैं आपको बता इसके तो मैं बोलता हूं कि आप wordpress पे मत जंप करें wordpress का एडवांस लेवल उसके लिए आपको लैंग्वेजेस आनी चाहिए पीएचपी आना चाहिए प्लगइन प्लगइन है उसके बहुत प्लगइन है आप चीजें कर सकते हैं लेकिन यू नीड टू बी एट लीस्ट नोइंग समथिंग अबाउट wordpress थीम्स wordpress डेवलपमेंट दैट इज अ हायर कोर्स वो भी हम आपको बता देंगे लेकिन अभी फिलहाल फोकस ऑन ब्लॉगिंग मैंने आज तक वर्डप्रेस यूज नहीं किया मैंने नया ब्लॉग अभी लॉन्च किया वर्डप्रेस पे तो सीन ये है कि वर्डप्रेस अभी नहीं करना सिर्फ ब्लॉगर पे फोकस करें वर्डप्रेस करना है लेकिन बाद में करना जब इतना तो आ जाए बंदे को यार कि मैं कुछ कर लूंगा तो फिर वर्डप्रेस पे जाते हैं अभी ब्लॉगर अच्छा इस पर एक और एड ब्लॉग का भी ऑप्शन आ रहा होगा जितने भी ऊपर वाली जो चीज आ रही है ना सेम टू सेम कोई भी चीज होगी बस फर्क क्या होगा टाइटल अलग होगा सब कुछ अलग होगा आप चाहे तो उसमें पोस्ट कर दें आप चाहे तो उसमें पोस्ट कर दें लेकिन इधर भी रिकमेंड करूंगा कि मेरा मतलब फोकस ऑन मन और ऐसा बनाओ कि वो ही एक ब्लॉग आपका 50 ब्लॉग और बना पहले पहले ब्लॉग बनाया था सिंपल सा ब्लॉग था उसी ब्लॉग ने मुझे इतना खराब कर दिया कि मेरे पास तीन चार ब्लॉग और है मेरा अपनी स्टोर चल रहा है मैं तीन बेच रहा हूँ हम लोग पाकिस्तानी है हम फ्री में ऑर्डर करते हैं टॉरेंट आया हुआ है टॉरेंट डाउनलोड किया तो मैं क्या करता था मेरा ब्लॉग था everfreetag.com वो अब चलता नहीं बंदे बंद किया भाई कोई फायदा नहीं उसका क्योंकि पैरेंट टाइम का काम नहीं करता उसके पैसे भी हलाल नहीं बहुत से लोग बहुत भी बोलते हैं हलाल होते हैं आराम जो भी होता है लेकिन वो काम ही नहीं करना जब मैं आपको बता रहा हूँ कहीं का है ये आपको अप्लाई नहीं करना क्योंकि मैंने अप्लाई किया था मुझे नुकसान हुआ मुझे तकरीबन 40,000 रुपये नुकसान हो गया था उसने मेरे मुझे पैसे नहीं दिए अकाउंट बंद हो गए मैंने जब स्टार्ट किया था जब मैं 2010 में स्टार्ट किया था जब मैं 10th क्लास में था
गेम में कर रहा था, मेरा इंटरेस्ट इतना वो नहीं था। आप लोग तो चले थोड़ा इंटरेस्टेड है, मैं सिर्फ गेम खेलने के लिए कर रहा था यार, चलो कुछ और कुछ और कुछ और अब ऐसे ठीक है। तो मैंने पायरेटेड ऐप डालता था मैं, सिंपल एंड्रॉइड का नाम सुने, एंड्रॉइड के ऐप डालता था मैं। उस टाइम एंड्रॉइड नया नया आया था, मशहूर था, उसको रैंक करना बड़ा साफ था। तो उसमें मेरे पास इतने लोग आते थे कि लाखों हज़ारों लोग आते थे, उससे अर्निंग होती थी। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैंने पॉलिसी नहीं पढ़ी थी, जैसा उन्होंने बोला पॉलिसी नहीं पढ़ना चाहती, मैंने भी पॉलिसी नहीं पढ़ी थी, तो मुझे पता नहीं था कि यार पैरेट कॉन्ट अलाउ नहीं। तो क्या दिन हुआ, मेरा अकाउंट बंद हो गया। पैसे मेरे कितने थे, 40,000 रुपये थे, जो आने थे 2 दिन में। पैसे ऑर्डर होने थे वेस्टर्न यूनियन से, अमेरिका से गूगल भेजता है, वेस्टर्न यूनियन के जरिए आने थे। मुझे 2 दिन और अगर रुक जाते तो मुझे पैसे भी चाहिए। उन्होंने क्या किया, गूगल आर स्मार्ट, गूगल बहुत तेज है, उनका काम ऐसा मत समझो कि बस हमें वो प्रोवाइड कर रहा है, वो इससे बहुत अच्छा कमा रहा है। क्योंकि जो आप इस पर काम करेंगे, एड सेल करेंगे, वो सारे गूगल सेल करेगा, गूगल के क्लाइंट्स आएंगे आपके पास। तो गूगल क्या कर रहा है, आपको एम्प्लॉय बना रहे हैं। तो द फैक्ट इज दैट कि मैं लीगल काम कर रहा था, क्या हुआ, पैसे आने वाले थे, गूगल बहुत तेज है, गूगल ने बोला यार इसके पैसे आने वाले जाने वाले हैं, ऐसा करो इसका अकाउंट बंद कर दो और जो पैसा बचे इसका होगा ना हम खा लेंगे। पब्लिशर मैं हूँ, पब्लिशर गूगल है, जो बेन जहाँ से वो एडवाइजर भेजता। तो पब्लिशर के पैसे मारे गए, इसलिए खराब काम पैरेटेड काम करने चाहिए। सिंपल तरीके वैसे सबसे आसान तरीका पैरेटेड ही है, जिसे वो करना नहीं है उसका आपको लॉस ही होगा, आप कभी आगे नहीं जा सकोगे। आज बनाओगे ब्लॉग कल खत्म हो जाएगा, पैसे जाए होंगे, 30,000 रुपये कमाओगे। मेरा ब्लॉग मैं ब्लॉगर टाइप डॉट कॉम पे जो प्रोफेशनल ब्लॉग मैंने पहले बनाया। अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं जैसे 10 पैरेट कंटेंट वेबसाइट, तो प्रोवाइड कर दें, कोई मसला नहीं। आप ऐसे रिसोर्स चला रहे हैं, ये पैरेट कंटेंट की वेबसाइट की रिसोर्सेज अलाउ नहीं है, लेकिन अगर आप डालना चाह रहे हैं, कुछ नॉट मीन माना नहीं, अलाउ भी है माना भी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप डालना चाह रहे हैं डालना चाह रहे हैं ना डालें तो ठीक है, डाल दें तो आपकी मदद करेगी, कोई नुकसान नहीं होगा। मेरी पूरी पायरेट कंटेंट की वेबसाइट थी, पूरी की पूरी, अभी वो ब्लॉगस्पॉट पे लाइव है, मैं एक्सेस नहीं कर सकता अभी, जो किसी से बंद लाइव है वो भी मैं जाऊँ कॉल करता हूँ, उनसे जाके प्रोवाइड बैंड एक्सेस हो जाएगी। तो मैंने ऑफ इसलिए करी कि उसका फायदा नहीं है, बैड साइड ऑफ मी, मैंने पायरेट कंटेंट काम किए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बुक ना करो, जो मैं करके आ गया हूँ, जो गलतियाँ मैंने करी है, तो आपको ना करो, अगर आप करोगे करने में तो सीखता ही है, करके सीख लोगे, या ना करके सीखो ज़्यादा फायदा है, तो बाकी का काम कर लो। सिंपल टाइटल डाल दिया, ब्लॉग का कंटेंट डाल दिया, जो जो आपको आ रहा है लिखना, आप जिस पे लिखना चाह रहे हो, आपके जिस पर टॉपिक है, उसकी कैटेगरी डाल दी, रन किया उसको। और एक और चीज़, पोस्ट पब्लिशिंग टाइम बहुत जरूरी, जैसे आपको पब्लिश करो 10 बजे, अगले दिन पब्लिश करो 9 बजे, उसके अगले दिन करो 8 बजे। अगर आप डेली एक पोस्ट पब्लिश कर रहे हो, तो यार क्यों ना आप रोज 10 बजे पब्लिश करो, तो एक टाइम फिक्स हो जाएगा, तो गूगल जो होगा उसको पता चल जाएगा यार 10 बजे पब्लिश करता है, तो सर्च इंजन के पता है, सर्च इंजन उसी वक्त आएंगे आपकी वेबसाइट पे, वो इंडेक्स करेंगे आपके पेजेस। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप जिस दिन आप रोज लिखें पोस्ट, जैसे आप 12 बजे, मैं लिखता हूँ रात के 12 बजे पब्लिश करते हो, लिख के रखता हूँ मैं, आप लिख के इसको सेव कर दें, सेव का बटन दिख रहा है पब्लिश के बारे में, दिख रहा है, इसको सेव कर दिया, ये ड्राफ्ट हो गया, जब आपका मूड हुआ आए एंड ओपन किया पब्लिश का बटन दबा दिया। शेड्यूल भी तो हो सकता है, स्केड्यूल यार मसला ये है कि ये टाइम है हमारे पास, हमारा टाइम इसमें फिक्स नहीं हो सकता, तो स्केड्यूल ना करें, 5 मिनट के लिए अगर मोबाइल भी खुल जाए उसका ऐप भी है पब्लिश का, मसला नहीं, स्केड्यूल ना करें फिलहाल। इसकी कोई ट्रिक होती है जो कि मैं अभी की बता रहा, क्योंकि इसमें टाइमिंग का फर्क आ जाता है, फिर आप बोलेंगे यार 8 बजे करनी थी तो 10 बजे होगी, तो खुद करें तो बेटर है, मैं भी खुद ही करता हूँ, मैं डेली 12 बजे पब्लिश करता हूँ, आजकल मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं और भी मसरूफियात है, क्लाइंट को हैंडल करना है, तो ब्लॉग में इतने ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, लोग रखते हैं वो लिखते हैं, तो 12 बजे मैं पब्लिश करता हूँ, जस्ट फॉर द सेक दैट मैं 2 साल से 12 बजे पब्लिश करता हुआ मैंने कभी टाइम नहीं दिया, जो जैसे कोई न्यूज़ आ गई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यार अब तो करना है, तो उस पर कुछ हाल में कर सकते हैं, जैसे कोई आप आर्टिकल लिख रहे हैं, ट्यूटोरियल लिख रहे हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जो आर्टिकल लिख रहे हैं, ट्यूटोरियल लिख रहे हैं, जिनकी ऐसा नहीं है कि अभी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ वाले कभी भी पब्लिश करते हैं। तो दिस इज फॉर द ब्लॉग्स,
जो कि रिसोर्स ब्लॉक, रिसोर्स ब्लॉक बोलते हैं जो सिखाएं आपको कुछ, और टूल्स ब्लॉक होते हैं। और टूल्स ब्लॉक का पता है आपको, पता है वहां पे टाइटल आएगा, यहाँ पे पोस्ट कंटेंट आएगा, यहाँ पे कैटेगरी आएगी, जज हो जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, ऊपर पब्लिश करना दिख रहा है, वो प्रेस कर देना है। जब आप वो प्रेस करेंगे तो आपकी आपका जो आर्टिकल है वो आपकी वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा। वो आर्टिकल दुनिया में कहीं भी, चाहे यहाँ दुनिया जहाँ भी रह रहा है, किसी भी कोने में जहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है, बंदा वहाँ से वो एक्सेस कर सकता है। तो आप एक पोस्ट से पूरी दुनिया को रीच कर रहे हैं। तो ये है एक ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, एक ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखी जाती है, एक ब्लॉग पोस्ट कैसे करी जाती है। ये पूरा आपको इंटरफेस समझा दिया है कि आप अभी घर जाएं, घर जाके एक ब्लॉग बनाएं, उस पर कुछ लिखे जो समझ आए, यार गलती करो, गलती करके सीखते हैं। कुछ पोस्ट लिखते हैं आप, पोस्ट लिख के आप जरूर आपको फायदा होगा। ठीक है, ये इंटरफेस समझ में आ गया सबको? जो क्वेश्चन है कोई we
ज्यादा यूजर हो चुके तो हम लोग को बहुत देर में रीच हो रही है इतना इन्फॉर्मेशन बट रीच हो रही है तो हमें करना है क्या है हमें काम करना है यहाँ तो ये सोच के उठेंगे हमें काम करना है ये सोच के उठेंगे तो जरूर काम होगा अगर आप ये नहीं सोचेंगे कि यार सब लोग यार समझ आया ठीक है जो करेंगे सोचेंगे यू हैव टू बी मोटिवेटेड अदरवाइज यू कांट अचीव ऑल दिस तो यहाँ जब आप पूछ रहे थे पोस्ट का कितनी पोस्ट करें आप एक दिन में तो मैं सिंपल सा स्केड्यूल बना के लाया था मैंने पूरी दो तीन चार साल में ये स्केड्यूल अप्लाई किया एक पोस्ट लिखता था कि यार स्कूल का बंदा था स्कूल में भी जाना है पढ़ना भी है ट्यूशन भी जाना है उधर से भी जाना है इधर भी जाना है उधर भी जाना है घर के काम भी करना है पोस्ट भी लिखनी तो दिन में एक आर्टिकल अगर आप लिखेंगे तो यार एक साल में अगर ये आर्टिकल आप लिख रहे हैं तो 30 आर्टिकल आपके पास मिनिमम तो हुई थे रोज एक आर्टिकल लिख रहे हैं आप 365 आर्टिकल तो आप समझते हैं बिगेस्ट ट्रेजर 365 आर्टिकल आप ही सोचें यार एक आर्टिकल रोज लिखूंगा जब लिखने बैठेंगे इट्स नॉट एज ईजी एज अ पीस ऑफ केक तो अगर आप दिन में एक आर्टिकल आप लिख रहे हैं तो 365 आर्टिकल आपके ईयर में हो गए इट्स द बिगेस्ट ट्रेजर और अब दो साल तक आपने ये स्केड्यूल अप्लाई किया तो आपके पास 720 आर्टिकल्स तकरीबन हो गए यू विल बी एन ऑथर देन एंड यू कैन कंपाइल दैट लेटर इन द बुक यस लॉन्ग इज अ कंप्लीट बुक तो ये है एक साल में आपको एक आर्टिकल एक साल में रोज एक आर्टिकल लिखा संडे को भी लिखा सैटरडे को भी लिखा ब्लॉगर की छुट्टी नहीं होती सिंपल सी बात है हम हड़ताल में भी काम करते हैं हमें किसी रिलेटिव के घर जाना होता है हम तब भी काम कर रहे होते हैं हम उनके घर अपना लैपटॉप उठा के ले जाते हैं अगर हमें काम करते हैं भाई छुट्टी आई नहीं हमारी और जब छुट्टी जाइए होती है तो पूरा महीना छुट्टी मर्जी है हमारी भाई जिस दिन छुट्टी जिस दिन मूड है काम करने का किया जिस दिन मूड है नाराज नहीं करना सिंपल है एक साल में 365 आर्टिकल्स दो साल में 720 आर्टिकल्स अगर आपने इतने आर्टिकल्स लिख लिया अपने ब्लॉग पे आई कैन गारंटी आपका ब्लॉग $200 तो लाजमी कमाएगा $100 तो लाजमी कमाएगा $100 होते हैं 10,000 डेली कमाएगा पोस्ट लिखे ना लिखे पोस्ट लिखने पोस्ट इसलिए हम लिख के अपडेट करते हैं जस्ट टू कीप आवर ऑडियंस अपडेटेड जस्ट टू कीप द ट्रैफिक फ्लोइंग जैसे आपने ब्लॉग बनाया यार कौन पढ़ेगा आपके तो ब्लॉग बना दिया मैंने कौन पढ़ेगा तो रीच ही नहीं कर रहा किसी को ना मैंने मार्केट करा ना कुछ करा आपको आपके ब्लॉग पे आते हैं लोग गूगल से सर्च कर तो जस्ट टू कीप योर विजिटर्स इंटरेस्टेड इन योर ब्लॉग हम ब्लॉग को अपडेट करते हैं जस्ट ऐसे नहीं छोड़ देते यार एक दफ़ा बुक बना दी छोड़ दी आर्टिकल लिख दिया छोड़ दिया चल आपको उसके साथ आपको इंगेज करना होता है आप एक ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे उस पर हज़ार लोग कमेंट करेंगे आपको ऐसे उनकी कमेंटें छोड़नी है आपको रिप्लाई करना है आपको इंटरेक्ट करना है आपको यूजर से ऐसे बात करनी है जैसे आप उनको सिखाना चाहते हो आप उनसे फायदा नहीं है ऐड के जरिए ऐड से आकर उनसे फायदा नहीं है आप उनको सिखाना चाहते दैट शुड बी योर मेन फोकस तो आर्टिकल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए अपडेटिंग करते तो ऑलमोस्ट जैसे क्या एक चैनल है उस पर प्रोग्राम कोई पुराने आ जाते हैं आप देखोगे नहीं देखोगे तो आपको अपडेट करना पड़ता है गूगल गूगल देखता है यार ये ब्लॉग डेली अपडेट हो रहा है तो डेली उस पर लोग डेली सर्च इंजन के बॉट्स होते हैं बॉट्स का मतलब सर्च इंजन बॉट्स वो होते हैं जो आपके कॉन्टेंट को इंडेक्स करते हैं आपका ब्लॉग कैसे इंडेक्स हो रहा है यार कोई ह्यूमन कितने ब्लॉग हैं अब ह्यूमन को कर नहीं सकता इतने इंडेक्स तो गूगल का एक एल्गोरिथम है एल्गोरिथम किसे कहते हैं जिस चीज़ को गूगल तब एक्सप्लेन नहीं कर सकते जिस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसके नाम में एल्गोरिथम देता हूँ क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो ये उसको एल्गोरिथम कहते हैं सर्च इंजन बॉट्स आते हैं आपके कंटेंट को इंडेक्स करते हैं वो गूगल पे आपके पूरा जो आपका टाइटल होता है ना आप सर्च करें आपने पोस्ट लिखी कॉन्फ्रेंस एट IBA फलाना कॉन्फ्रेंस आप लिख के एंटर करेंगे आपकी ब्लॉग पोस्ट पहले नंबर पर होगी क्यों होगी क्योंकि गूगल ने आपको इंडेक्स कर दिया है आपका क्रॉल हो रहा है ब्लॉग आपका ब्लॉग पॉपुलर है गूगल को पता है कि आप ऑथेंटिक आर्टिकल्स डालते हो आपकी अथॉरिटी बनती है जितना आपका ब्लॉग ओल्ड होता जाता है आप जितने सीनियर होते जाते हो उतनी आपकी खुद रैंकिंग बढ़ती जाती है सेम एज दैट जितना आपका ब्लॉग ओल्ड होता है आपकी उतनी अथॉरिटी बढ़ती है देखें जो न्यूज़ ब्लॉग के लिए ये मैंने उसके लिए बताया सेम न्यूज़ देख रहे हैं न्यूज़ में तो आप 1,000 आर्टिकल के लिए होगी कम से कम फिर न्यूज़ तो डेली आते हैं आप दिन में कितनी न्यूज़ कवर कर सकते हैं दिन में 50 न्यूज़ आते हैं और 50 कवर कर लें टेक्नोलॉजी फैशन सब कुछ अपडेट है ये ऑटो डिजाइन की पुरानी पहुँच तो न्यूज़ ब्लॉग में ये नुकसान है कि आपकी ओल्ड पोस्ट अपडेट करते हैं और जो ट्यूटोरियल के पास आते हैं ना हाउ टू ब्लॉग ये हाउ टू स्किल जैसे आप सिखा रहे हो
जैसे आपको आप देखते हैं और आप फाइनेंस के बारे में बता रहे हो, आपने एक चीज़ बता दी वो तो वही रहेगी ना, ज़्यादा चेंज करनी होगी, जो भी चीज़ आया आपने चेंज करके बोला भाई इस तारीख को चेंज किया वो तो सेम ही रहेगा ना। इसी से आपने यूथ ब्लॉग के लिए नहीं है जो ब्लॉग जो अपडेट जिसको हमारे कॉन्टेंट को बार बार अपडेट करना ना पड़े यूथ ब्लॉग के लिए, और जिनको बार बार अपडेट करना नहीं पड़ता उसको फोकस करें, उसको फोकस करेगी करेंगे तो आपके पास आपको ज़्यादा पोस्ट करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, ज़्यादा चीज़ें के लिए आप सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट ऐसी चीज़ें डेवलपमेंट के लिए सिखाएं ताकि लोग आए पहले आप सीखो सीख लिया बिल्कुल सिखा। आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने सीखे सिखा इस टाइम आपने लर्न किया तो उसके ऊपर आर्टिकल लिख दिए और सिखा दिया, फायदा क्या हुआ आप जो अपनी यहाँ से करके जॉब करोगे 20,000 रुपये की वहाँ आपको 2-3 लाख रुपये मिल जाएंगे, 2-3 लाख कमाओगे 20,000 रुपये कमाओगे, ऐसी बात है 3 लाख पे जाओगे यार मैं क्यों कहूँगी सरकार चाहिए। अच्छा मैंने वर्ड लिमिट थोड़ी बताई है, ब्लॉगर्स को तो पता ही होगा यार थोड़ी वर्ड गूगल का क्या सीन है यार, एक आर्टिकल आप 2 लाइन का लिखते आर्टिकल को अभी कुछ समझ ही नहीं आया, आर्टिकल आया 2 लाइन लिखती खत्म, कम से कम 500 वर्ड्स का आप आर्टिकल लिखें, कम से कम 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखेंगे तो ये होगा यार कुछ को समझ आया, किसी बंदे को यार आप कवर कर रहे हैं तो 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना जरूरी है कि सर्च इंजन इसको अप्रूव करते हैं कि 500 हो कम से कम, गूगल पे इसको अच्छा समझता है यार जब आपका ब्लॉग इतना हाई हो जाए अथॉरिटी आ जाए उसके ब्लॉग की रैंकिंग आ जाए तो आप 200 वर्ड का लिखते हैं 200 वर्ड का लिखते हैं, आपको अथॉरिटी गेन करनी है शुरुआत में आपको 500 को फोकस करना है कि 500 से कम ना हो, ज़्यादा हो 1,000 हो 2,000 मेक इट लेंथी, अथॉरिटी गेन ऐसे होती है कि आपका ब्लॉग जितना ओल्ड होता जाता है उसकी अथॉरिटी आती जाती है, जैसे आपने एक आर्टिकल लिखा, आपने लिखा IMBA पे कॉन्फ्रेंस है, आपके जो आर्टिकल को किसी और वेबसाइट ने लिंक कर दिया यार इस बंदे ने ये पोस्ट किया है उसने लिंक दे दिया, आपके पास क्या हुआ आपकी कनेक्शन बन गया आपकी अथॉरिटी आ गई, इसी तरह से आपकी पोस्टों को डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग प्रमोट करते हैं वैसे अथॉरिटी आती है, दैट इज कॉल्ड बैक लिंक। आप उसको कैसे मालूम करेंगे आप उसने लिंक किया या सिस्टम सिंपल टूल होते हैं जो आप अपने वेबसाइट का विवरण डालते हो वो बता देते हैं कि आपको किसी वेबसाइट के पास आपके ऊपर लिंक डाले लिंक लोगों ने लिंक शेयर किया, सिंपल टूल होता है गूगल पर जाके लिख के बैक लिंक चैनल बैक लिंकिंग क्या है, एक वेबसाइट है एक आपकी वेबसाइट है एक मेरी वेबसाइट है, आपने पोस्ट किया कॉन्टेंट मैं गया मैंने अपनी वेबसाइट पर सेम कॉन्टेंट आपका पोस्ट किया और नीचे लिंक कर दिया कि इन साहब ने पोस्ट किया था और आप उस पर क्लिक करेंगे उस लिंक पे तो आपकी वेबसाइट पे दिख जाएगी, मेरी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पे जाना दैट इज कॉल्ड बैक लिंक। कोई क्वेश्चन? अच्छा पोस्ट की कोई मैक्सिमम कोई लिमिट है क्या? लिमिट मेरे ब्लॉग में मैं ब्लॉग अटैम्प्ट करता हूँ उस पर पोस्ट है 800, 2 साल पुराना ब्लॉग है मेरा, सिंपल सी बात है मैं एक पोस्ट लिखता था मैंने कोई ज़्यादा पोस्टें लिखी हैं, जो मेरा बाया ब्लॉग अटैम्प ब्लॉग है 800 पोस्ट है उस पर और उससे मुझे इतनी अंडिंग हुई है कि मैंने और ब्लॉग खड़ा किया अपना और वो उससे ज़्यादा पॉपुलर फेवरेटिज्म मैं ब्लॉग अटैम्प ज़्यादा पॉपुलर है जो कि बाद में बना। अच्छा क्योंकि हम फ्री सोर्स इस वक्त यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर तो यकीन कोई लिमिट होगी उसकी पोस्ट की या उसकी? जी मैं भी फेवरेटिज्म मैं ब्लॉग अटैम्प दोनों ब्लॉगर पर मैं फ्री मैं मुझे भाई मुझे पसंद नहीं है मैं क्यों दूँ पैसे करूँ मैं मेरे पैसे नहीं मुझसे कमा रहा हूँ मैं क्यों दूँ पोस्टिंग पर क्यों करूँ मुझे मेरे पास जब वो सेम चीज़ मुझे फ्री में मिल रही है तो मैं उससे आगे करूँगा। गूगल पोस्टिंग फ्री है अनलिमिटेड होस्टिंग है अनलिमिटेड पोस्टें करें अनलिमिटेड पिक्चर अपलोड करें अनलिमिटेड वीडियो अपलोड करें अनलिमिटेड पोस्ट करें सिर्फ लिमिट वहाँ कुछ लिमिटेशन आ जाती हैं जैसे कि फ्री ब्लॉग है आपको एडमिन कंट्रोल नहीं होता आप जैसे आपका ब्लॉग है आप उसकी सोर्स फाइल पर जाके कुछ एडिट नहीं कर सकते आपके पास ये है कि पूरा फ्रेमवर्क बना हुआ है आप उसी में खेलें उसी में आपका ब्लॉग होगा आप चाहें आप सेम अपने ब्लॉगर के ब्लॉग को वर्डप्रेस पे ले जाएं फिर आपके कंट्रोल में आ जाएगा। एक आईडी पे गूगल की एक आईडी मैंने भी बताया था गूगल की एक आईडी पे 100 ब्लॉग बना सकते
100 लोग ना करते से ज़्यादा अलाउ नहीं है, तो कोशिश करें 50-60 बना लें, नई आईडी बना लें जी मेल की, उसके बना लें दो रिपोर्टेशन क्रेडिट आईडीज एंड ब्लॉक्स, एक आईडी पे 100 से ज़्यादा नहीं बनाए। अब आप ये पूछेंगे कि यार आर्टिकल्स में कहाँ से लाऊं, आर्टिकल्स में कहाँ से लाऊं, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका टॉपिक है सिंपल सा टॉपिक है क्रिकेट, क्रिकेट का टॉपिक है आपका, आप गए गूगल पे आपने रिसर्च करी, आप रिसर्च करिए चार पांच ब्लॉग से पढ़ा, चार पांच ब्लॉग से सेम चीज़ पढ़ी, अब आप बैठे वर्ड वर्ड खोला, वर्ड तो सबको पता होगा एमएस वर्ड, वो खोला उस पर अपना आर्टिकल लिखा, पिक्चर अरेंज करी और बाकी पूरी पोस्ट बना, सिंपल एज दैट। तो आपने क्या किया, रिसर्च करके आपको टॉपिक मिले, बहुत सारे टॉपिक्स आपने कंबाइन करे, कंबाइन करके आपने एक पोस्ट बनाई जो कि पोस्ट आपने ब्लॉग पे पब्लिश करेंगे। ये आपको अभी बहुत मुश्किल लग रहा हूँ, ये काम आपको शायद मुश्किल लग रहा हूँ, कितने लोगों के काम मुश्किल लग रहे हो, 500 वर्ड तकरीबन आपको कितने आधे घंटे मिल सकते हैं, किसकी टाइपिंग तेज है, टाइपिंग तेज है किसी की, आपने यार यही चीज़ है, टाइपिंग तेज होगी तो आप लिख लो, वोकैबुलरी शार्प होगी आप लिख लो। एक बंदे ने पूछा इंग्लिश कहाँ से सीखो, वोकैबुलरी कहाँ से सीखो, न्यूज़पेपर पढ़ो, एनिमेटेड मूवीज देखो, इंग्लिश मूवीज देखो, उनसे सीखो, उनकी ये सीखो कि यार सबटाइटल वाली देखो जिसमें सबटाइटल आ रहे हैं नीचे, उनकी लैंग्वेज को लर्न करो, ज़रूरत नहीं कि किसी इंस्टीट्यूशन में जाओ आप लर्न करने, सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, बस वो काम का नहीं होगा, पैसे दिया नहीं होते हैं उसे कहेंगे भी कुछ नहीं, तो खुद सीखने में बंदा यार ज़्यादा सीखता है, इंग्लिश आ जाएगी जैसे बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, मुझे भी नहीं आती थी, मैं नए साथ जब मैंने सीखी घुसा जब मैं फील्ड में उसके बाद सीखी आई, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टास्क, ट्रैफिक स्पीड आपकी बन जाती है। आप ये आर्टिकल एक घंटे में लिखोगे 100,000 वर्ड तक, इफ यू हैव स्पीड, अगर आप पुराने से जाओ बट अभी आप जाओगे तो आप शायद 2-3 घंटे लग जाएँ, जस्ट आप ये आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम देते हो, मैक्सिमम आप 1-2 घंटा अभी लोगे क्योंकि आप न्यू हो बिल्कुल, जब आप बिल्कुल रुचि हो जाओगे तो 1 घंटे ज़्यादा काम रिसर्च रिसर्च सब। और एक चीज़ और करनी है, अपना ब्लॉग बना लिया, पोस्ट कर दी फेसबुक, और सब यूज़ करते हैं ट्विटर, सब यूज़ करते हैं, तो यार क्यों ना हम अपना अपनी प्रोफाइल बनाते हैं ट्विटर पर, क्यों ना हम अपनी अपनी वेबसाइट की प्रोफाइल बना लें, प्रमोट हो जाएगा, फेसबुक का पेज बना लें फ्री में बनता है सब कुछ, फेसबुक का पेज बना लें, वहाँ पर आप रोज अपने लिंक शेयर करें, अपने दोस्तों को बोले यार लाइक करो शेयर करो, दैट्स द बेस्ट वे, अपने दोस्त को बोला यार मेरा ब्लॉग है शेयर कर दो प्रोफाइल में, जिसने किसी और ने शेयर किया, इसी तरह से चेंज बनती जाती है, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग होती है, हमने अभी सोचा था कि फेसबुक मार्केटिंग भी कर लें लेकिन हमने नहीं करी इस इवेंट में, क्योंकि आप लोग अभी बहुत बेसिक सीख रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा, इसलिए फेसबुक मार्केटिंग भी सिखा सकते हैं, फेसबुक मार्केटिंग के जरिए आप चीज़ें सेल कर सकते हैं, फेस बहुत है, फेस बहुत बड़े बड़े इंटरनेट है, आपको सर्च करना है, आपको आपका इंटरेस्ट किसमें आपको करना है, तो फेसबुक की प्रोफाइल बना लें, सोशल मीडिया की प्रोफाइल बना लें, वहाँ पर शेयर करें, अपडेट रखें, आपके फैंस आ जाएंगे उस पेज पर, ये आपके ट्रैफिक सोर्स बन जाएगा। कोई क्वेश्चन? नहीं, मार्केटिंग के लिए आप सोशल मीडिया पर लिखा है, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में हम क्या यहाँ हम यहाँ पे सारे हर घर हर बंदे के पास फेसबुक जरूर होगा, तो इसीलिए मैंने फेसबुक का बोला है, आप गूगल प्लस यूज कर लो, आप लिंक्डइन यूज कर लो, आप लिंक्डइन में सीख ये है कि लिंक्डइन में आम बंदे नहीं होते, हम जैसे बंदे नहीं होते, जैसे आप स्टूडेंट हो, आप शायद नहीं बनाओ, तो इसीलिए फेसबुक ऐसी चीज़ है जिस पे हर कोई होगा, मैक्सिमम लोग होंगे फेसबुक, गूगल प्लस, स्टम्बल अपॉन, रेडिट, बहुत ही वेबसाइट ट्रैफिक जनरेट करने के लिए सोशल मीडिया, जब आपको करना क्या है घर जाएं, सर्च करें, प्लीज सर्च फॉर इट, अगर आप सर्च करोगे आप क्या सर्च कर रहे होते हैं, लेटेस्ट सॉन्ग क्या है भाई, इस मूवी का सॉन्ग सर्च करके डाउनलोड कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं ऐसा, आप ये सर्च कर लें, सबसे पहले क्या किया आपने, जस्ट टू रिकॉल ब्लॉग बनाया, उसके ऊपर टैबलेट लगाया, अगर हमें खुद आता है काम टैबलेट बनाना अपनी मर्जी का लगा लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, कंटेंट आपका रीच कैसे करेगा, कंटेंट तो बना के डाल दिया, हम उसको अगर कैसे करेंगे, गूगल पे आए और गूगल उसको इंडेक्स करे और जब यूज़र सर्च करें तो गूगल पे सामने आए, उसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ थिंग दैट रैंक्स दैट हेल्प्स यू टू रैंक योर वेबसाइट ऑन गूगल ऑन सर्च इंजन,
लाइक गूगल याहू बिंग गूगल का शेयर है 75% याहू का है 10-5 ऐसी कुछ परसेंटेज है लेकिन सबसे ज़्यादा गूगल का है तो हम क्या करेंगे हम गूगल को टारगेट करेंगे सारे सर्च इंजन गूगल को फॉलो करते हैं तो हम अपनी पोस्ट को ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे हम उसको रैंक कैसे करवाएं दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और अगर आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ गई बहुत अच्छी आ गई आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर बन सकते हैं मेरा फ्रेंड है ही फ्रॉम पिशावर उसका नाम सलमान बेग है एंड ही इज डूइंग अ जॉब इन अ यूएसए कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है और वो कीवर्ड्स को यू रैंक करवाता है छुट्टियों आप कीवर्ड दें एंड ही विल रैंक इट ऑन द टॉप ऑफ द गूगल सर्च इंजन और उसको कंपनी डॉलर्स में पे करती है तो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर भी बन सकते हैं अपने ब्लॉग की तो कर ही रहे व्हाई कांट यू डू फॉर योर क्लाइंट्स सो एक चीज सीख लें आप एक चीज सीख गया उसकी चेन बनती जाती है एंड यू कैन डू फॉर अदर्स एंड योर सेल्फ टू और एक्स्ट्रा इनकम होती है कभी क्लाइंट्स और एक बार बताऊँ मेन इनकम जो होती है वो क्लाइंट से ही होती है आप क्लाइंट से बोलेंगे यार मैं क्यों करूँगा $1,000 और मैं एक कीवर्ड रैंक करूँगा एक कीवर्ड कितने दिन में रैंक करेंगे एक हफ्ते में कर देंगे इसको आता हो तो दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप वेब पे जाएं आप व्हाट करें व्हाट इज एसईओ वहाँ से आपके लिंक बनते जाएंगे पढ़ते रहेंगे दैट्स ऑल गुड मैंने आपको पूरा बेसिक समझा दिया कि एसईओ होती क्या है नाउ अगर आपसे कोई सवाल पूछे एसईओ क्या है आप बता दो कि यार ये चीज़ ही है एसईओ हम अपने ब्लॉग को एसईओ करेंगे एसईओ के बाद जब उस पर ट्रैफिक आ जाएगा आपके एक ब्लॉग है उस पर डेली हज़ार लोग आ रहे हैं का मतलब है बहुत लोग आ रहे हैं हज़ार लोग आ गए ना अगर आपके तो आप मिनिमम डेली अर्न करोगे $5-6 डेली अर्न करो अगर आपके पास एड्स लगे हुए एडसेंस लगाए हैं आपने गूगल के एड लगाए हैं मिनिमम करो भी करो तो जब आपके पास इतना ट्रैफिक हो जाए लोग आ रहे हैं गूगल से आ रहे हैं आप स्टैट्स देखोगे स्टैट्स में आप सब देख लोगे कि यार लोग आ रहे हैं जब लोग आने लगे तो हम उस पर एड लगाएंगे शुरू में एड भी लगाएंगे शुरू में हम अपने ब्लॉग को एड फ्री रखेंगे आप फॉरन घर पर जाकर एड लगाएंगे नहीं अभी आपको पता नहीं कि एड बनता कैसे तो आप पहले अपने ब्लॉग को बिल्ड करें जब एक बंदा मार्केट में आता है जो आपने देखा होगा जब एक मिल्क शॉप खोलती है आपके इलाके में तो वो मिल्क सस्ता क्यों देता है तो दैट वो थोड़ा सस्ता देता है मार्केट से जस्ट टू प्रमोट जो एक स्ट्रैटेजी होती है तो दैट्स हाउ द सेम स्ट्रैटेजी अप्लाइज हियर हम पहले ऑडियंस बिल्ड करेंगे ऑडियंस बिल्ड करने के बाद हम उस पर उसके बाद जब हमारा ऑडियंस आ जाए तब हम उस पर ऐड करेंगे दैट इज कॉल्ड मोनेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन हो सकती है एडसेंस के जरिए एडसेंस होता है पेड टू क्लिक आपने ऐड लगाया कोई आया आपकी ब्लॉग पे उसने क्लिक किया आपके पैसे बन गए जितने क्लिक हुए एक दिन में 100 क्लिक हो गए और एक क्लिक किया आपको मैंने जैसे एक क्लिक आपके $1 का था तो आपको एक दिन में $1,000 बन गए $100 बन गए 100 क्लिक तो दैट्स द थिंग दैट्स व्हाट एक्सेस मोनेटाइजेशन के लिए यूज करते हैं हम उसको कंटेंट मतलब कैसे अब जब ऐड क्लोज कर देती है वो क्लिक नहीं आता है नहीं अब जब ऐड क्लोज कर देती है वो क्लिक नहीं आता है मोस्ट ऑफ द जो भी ऑडियंस होती है मैं जब भी ब्लॉग पे पढ़ती हूं आप नहीं करती ना क्या मतलब है करती हम स्टूडेंट हैं हम स्मार्ट हैं हमको पता है यार ऐड है हम क्यों क्लिक करें हमें जब इंटरेस्ट ही नहीं जब आप ब्लॉग पढ़ते हैं ना ऐड तक स्मार्ट हो जब आप कंटेंट जब आप कोई भी आप जिससे रिलेटेड आप बोलती हैं वो वेबसाइट जब कोई भी होती है ना तो आप स्टार्ट में ऐड देखेंगे बिल्कुल रिलेटेड ऐड होता है आइडेंटिकल होते हैं रिलेटेड होते हैं वो आपको ये तरीका ब्लफ कर दिया डाउनलोड बटन ये मैं ब्लफ कर रहा हूँ वो एडसेंस में नहीं होता एडसेंस में बिल्कुल प्योर होता है नो इलीगल थिंग सब कुछ हम हमें करना पड़ता है और एडसेंस का अकाउंट हम लोग अगर होते हैं कुछ ब्लॉग होता है वो ही होता है यार एडसेंस का अकाउंट मिलता है जस्ट बिकॉज उनका ब्लॉग अच्छा है आपको ब्लॉग बहुत अच्छा बनाना है और 6 महीने बाद आपको एडसेंस अकाउंट लाजमी होगा नहीं मिलेगा मैं दिलवाऊंगा लेकिन आपको मुझे आप अपना ब्लॉग बना के दिखाना होगा जरूरत नहीं है मेक इट योर ब्लॉग एज सिंपल एज पॉसिबल अप्लाई द लॉ ऑफ सिंपलिसिटी इज द बेस्ट सिंपलिसिटी अप्लाई करें मेरा ब्लॉग सिंपल रखा है मैंने ऑप्टिमाइजेशन क्या है मैं आपको समझा चुका हूँ ऑप्टिमाइजेशन क्या है एसईओ है आपको अपने आपने कोई कीवर्ड सर्च किया आपको ऐसा काम करना है कि आपकी पोस्ट उस कीवर्ड पे रैंक करे जैसे आपका पोस्ट जब आप पोस्ट हेडर लिखते हैं ना दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपका पोस्ट हेडर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है क्योंकि जब आप सर्च करते हो ना तो आपका पोस्ट हेडर ही मेन रोल अप्लाई करता है कीवर्ड का सो
So make sure your title is unique, interesting, and that is people are searching. आपको पता है लोग क्या सर्च कर रहे हैं, आप उसी तरह का टाइटल लिखो, जिस तरह का टाइटल लिखो ना, क्योंकि आपको पता है लोग यही सर्च करेंगे, लोग जब ये सर्च करेंगे मेरी वेबसाइट आ रही होगी टॉप पे, उस पर आएंगे, रीड करेंगे, हो सकता है चार पांच लोग ऐड क्लिक कर दें, और जरूरी नहीं है ऐड क्लिक हो, इंप्रेशन भी पे होता है, 1000 लोग आ गए आपको हो सकता है 25,000-30,000 बन जाए बगैर क्लिक किए, क्योंकि इंप्रेशन भी काउंट होते हैं। तो दैट इज ऑप्टिमाइजिंग। आप चाहे घर पर जाके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ें, आप चाहें तो मैं आपको कोर्स का जरूर करवा सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्टिमाइजर हैं, लेकिन वो कोर्स पेड होगा, क्योंकि ये अगर आपने ज़्यादा सीख लिया आप मज़े से लाभ कमा सकते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर आपने सीख लिया। आई हैव अ क्वेश्चन, अगर ब्लॉगर पर आपका प्रोफाइल बन गया तो डू वी अर्न ऑन व्हेन पीपल ओपन आवर ब्लॉग और व्हेन पीपल ओपन आवर एड्स? दोनों चीज़ों से अर्न होते हैं, यू कैन अर्न थ्रू बोथ एड्स क्लिकिंग थ्रू इंप्रेशन आल्सो। When the people visit your blog, they read your content, and when they are finished reading your content, if they are interested in your ad, they can click on it. When they are clicking on it, depending upon their destination, if agar wo USA ke, if they are from America, you will get high earning. Because American audience bahut targeted hoti hai, uske aur aa jaye blog pe to high earning deti hai. If they are from Pakistan, ad ka rate kam hoga. Jaise aapko ek ad pe 500 rupees mil rahe hain, ek ad pe aapko 200 rupees mil rahe hain, dollar ke hisab se. और आप दिस डिपेंड्स अपॉन ऑडियंस, जितनी अच्छी ऑडियंस होगी आपकी, जितनी टारगेटेड ऑडियंस होगी, जितनी यूरोप से होगी, आपको उतने हिसाब से ज़्यादा पैसे मिलेंगे अपॉन एड क्लिकिंग अपॉन इंप्रेशन ऑल्सो। जब आप एडसेंस पे जाकर आप साइनअप करेंगे तो वहाँ पे आपकी पूरी स्टैट्स लिखे होंगे कि इस दिन आपने इतने इंप्रेशन लाए, इतनी अर्निंग हुई, इतने क्लिक हुए, जहाँ से क्लिक हुए, किस जगह से क्लिक हुए, यूएसए से हुए, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। मगर ये जब होगा जब एडसेंस अप्रूव्ड हो जाएगा जी, ये सब जब होगा जब एडसेंस अप्रूव्ड हो जाएगा, एडसेंस अप्रूव हो जाएगा आपका अकाउंट होगा। अप्रूव होने में कितना टाइम? अप्रूव होने में 24 घंटे लगते हैं आपका ब्लॉग। अच्छा, कीवर्ड्स के साथ हम करेंगे, कौन से कीवर्ड अच्छे हैं उसका कोई? कीवर्ड्स एडवर्ड्स है, गूगल एडवर्ड्स है, गूगल एडवर्ड्स के लिए हम टारगेट कर सकते हैं कीवर्ड्स को। हम किसान पता चलेगा कौन सा कीवर्ड मार्केट में? गूगल ट्रेंड्स, गूगल ट्रेंड्स TRENDS.google.com, वहाँ पे जाएं, आप कोई भी कीवर्ड डालें, आप डाल दें ब्लॉगर, उस पर आपको लिख के दिखा देगा यार एक 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 हफ्ते में इसकी कितनी सर्चें हैं, अगर मैं इस कीवर्ड पे रैंक करूँगा तो कितने लोग आ जाएंगे मेरे पास और मैं टॉप पे आ जाऊँगा। तो दैट्स हाउ यू लर्न हाउ टू फाइंड अ कीवर्ड। तो ऑप्टिमाइजिंग आपको समझ आ गई थोड़ी बहुत, थोड़ी आपको कीवर्ड कौन सा ब्लॉगर टाइटल जो आप कीवर्ड बनाएं उसको आप ऐसे पोस्ट में अरेंज करें जो बुरा भी ना लगे और फ्रीक्वेंसी में आ जाए, जो कीवर्ड आप सेलेक्ट करें ना वो पोस्ट के अंदर भी कहीं इंपोर्ट करें, टाइटल में भी ऐसे अरेंज करें कि बुरा ना लगे, मीनिंग क्या टाइटल में भी डालती है, कॉन्टेंट में भी डालती है, दैट्स फॉर ऑप्टिमाइजेशन। आप ऑप्टिमाइज करो अपने कॉन्टेंट को यूजर्स के लिए, यूजर्स के लिए रिपीट ज़्यादा रिपीट ना करें, 3-4 दफ़ा रिपीट करें बहुत, अगर आपने 10-20-50 दफ़ा रिपीट कर लिया दैट इज कॉल्ड स्पैमिंग। लेकिन जो मेन चीज होती है वो क्या आपका टाइटल हो, आप एक चीज आप खरीदते हो, आप अंदर तो पढ़ते ही हो, ऊपर से देखते हो ना टाइटल, देखते हो टाइटल देखे खरीदते हो, सेम थिंग गोज ऑन विद योर पोस्ट, टाइटल इज द मेन थिंग। नहीं, आपने कोई एक आपने पोस्ट कर दी, जैसे गूगल पे कर दी, गूगल एडसेंस पे कितना पोस्ट कर दिया आपने, एक तरीका बता दिया, अब आप सेम तरीका नहीं बता सकते ना, आप दूसरा तरीका बता दो तो आप सेम चीज पोस्ट भी करो। अच्छा, ये व्हाट इज द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर गूगल एडसेंस? राइट टाइम 6 महीने, 6 महीने बाद अप्लाई करो, क्योंकि अभी आप फ्री ब्लॉग है उसमें आप वैसे अप्लाई नहीं कर सकते, वो मिनिमम 6 महीने मांगते हैं। अगर आप डॉट कॉम पर स्विच कर जाओगे तो आप फॉर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अप्लाई करने का फायदा नहीं है क्या आपके पास ट्रैफिक नहीं होगा। अच्छा, अगर ट्रैफिक आप 2-3 महीने में ही अगर 2-3 महीने में गेन हो जाए, स्विच टू डॉट कॉम, 1000 रुपये पे करो स्विच टू डॉट कॉम और फॉर अप्लाई करो, और अगर फिर भी रिजेक्ट कर दें डॉट कॉम? रिजेक्ट नहीं करते, रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन आपके ब्लॉग पे जब ट्रैफिक होगा पॉपुलर इनफ होगा तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे, डॉट कॉम पे वो फॉर्म एक्सेप्ट कर देंगे, 500 विजिटर आ गए डॉट कॉम पे वो फॉर्म से वो भी चलेगा,
अगर आपको अर्निंग करनी है अच्छी अर्निंग करनी है 500 तक कम से कम आना चाहिए इसमें कीवर्ड में जो इंपॉर्टेंट है कि वो राउटर और सब ब्लॉगर पे बना देंगे उससे तो क्या वो रैंक तो करेंगे नहीं पहले पेज पे कौन से ब्लॉग पे अगर ब्लॉगर के टॉपिक पे सब पोस्ट बनाए जाए या सिर्फ मतलब ब्लॉग के आप जो कहना चाह रहे हैं वो सॉफ्टवेयर अलाउड है प्रो जॉब नहीं मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो कह रहे हैं ये सोर्स कह रहे हैं ना अगर गूगल ट्रेंड्स हो जाए और ऑन सर्च किया या ये कीवर्ड जो है बहुत सर्च होता है लेकिन इसको कंपटीशन इतना ज्यादा है हां कंपटीशन इतना ज्यादा होता है तो इसलिए इसका सीन ये है कि आपका ब्लॉग जितना ऊंचा जाता है गूगल आपको अपर ऊपर ले जाता जाता है आपकी रैंक जो नीचे होती है वो इंप्रूव होती जाती है गूगल हर महीने एक एल्गोरिथम रिलीज करता है सर्च का जिसमें सर्च जिस अप डाउन होती है जो आपकी वेबसाइट जो नहीं होती है आपकी उसमें अथॉरिटी गेन करती है जो ऊपर आने लग जाती है सर्च में एंड दैट्स हाउ यू गेन ट्रैफिक इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 6 महीने मिनिमम दें क्योंकि 6 महीने में आपकी सर्च स्टार्ट होती है बनना स्टार्ट होती है खड़ी होती है तो 6 महीने में तकरीबन कुछ तो आपका ऑडियंस आ जाती है और अब जब ऑडियंस आ जाए तो आप ब्लॉगस्पॉट से .com पे स्विच कर जाए इस स्विच करने पे आपको 1000 रुपये पे करने होंगे कि कहीं से भी आप डोमेन खरीदेंगे .com का तो इस जो आप खरीदेंगे तो फिर पुरानी जो सारी कॉन्टेंट है वो सब कुछ .com पे डायरेक्ट हो जाएगा सब कुछ ब्लॉगस्पॉट के वो .com पे आ जाएगा आपको कोई लॉस नहीं होगा .com का बेनिफिट ये है यार आप किसको बता रहे हो आपका देखिए adnan.blogspot.com ये अच्छा है adnan.com अच्छा है उसके बाद जितनी भी पोस्ट हम लगा रहे हैं वो सारी जो है सिंपल है कोई कोई मुश्किल नहीं आपको अपना नाम डालना है आपका अपना जो आपका सीनियर पे नाम है वो इंसर्ट कर दें आपका अकाउंट बन जाएगा बस आपका अकाउंट बन गया वहाँ पे ऐड कोड होंगे ऐड कोड अपनी वेबसाइट पे डाल के डालें आपके ऐड होने लग जाएंगे तो आपको अभी आपको ऐड का फोकस ना करें अभी आपको करना क्या है आपको ब्लॉग बनाना है ऑडियंस लानी है ऑडियंस आ जाए तो फिर आप जब आपके पास ऑडियंस आ जाएगी ना मैं लिख के अब आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप थोड़ी सी जॉब यार ऐड से ना बैंक कैसे हो वंस यू आर एंटर इन अ कम्युनिटी हमारी पूरी कम्युनिटी है फेसबुक पे ग्रुप बना हुआ है पाकिस्तान ब्लॉगर के नाम से वो पूरी कम्युनिटी है हम लोग क्या करते हैं हम हेल्प करते हैं लोगों की हम अपने फैलोज की हेल्प करते हैं टू ग्रो तो ये चीज़ ऐसे का प्लान हमारे सामने अप्रूव होना मुश्किल अप्लाई तो कोई भी कर लिया अप्रूव सब नहीं होगी अप्रूव होगा इससे काम अच्छा होगा तो जॉब उसी को मिलती है सर जिसकी जिसकी क्वालिफिकेशन अच्छी होगी जो कि आपकी पोस्ट टाइटल की होती है टेम्पलेट ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज्ड H1 वो देते हैं आपकी पोस्ट को जो आप कुछ कॉन्टेंट में हेडिंग इंक्लूड करते हो वो आप H2 इंक्लूड करते हो वो सारी सेटिंग आपके उस उधर से हो जाती है पोस्ट लिखने की जगह से वहाँ पे हेडिंग प्रीवियस नॉट पास्ट सब हेडिंग मेन हेडिंग है H2 सब हेडिंग है H3 रिक्वायर हेडिंग है वो है H4 तो इस हिसाब से आप अरेंज कर सकते हो या आप लर्न कर लो जब आप उसको यूज़ करो इतना वो पूछना नहीं है जब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको H2 हेडिंग की उस कीवर्ड को देनी है जो बहुत उसके अलावा एड्स का मैंने आपको बता दिया अर्निंग का जो लोग उसके ब्लॉग बनाते हैं अर्निंग की तो अर्निंग का ये है कि एड्स लगाते हैं एड्स के अलावा आप जब आप पॉपुलर हो जाते हो तो लोग आपको कॉन्टैक्ट करते हैं कॉन्टैक्ट अस फॉर्म सभी को पता है कॉन्टैक्ट अस फॉर्म लगाएंगे हम अपने ब्लॉग पे लगाएंगे ना भाई कि हमारी इन्फॉर्मेशन कोई बंदा कॉन्टैक्ट करना चाहे तो रीच करें तो कॉन्टैक्ट अस के जरिए अमेरिकन कंपनीज डिफरेंट कंपनीज आपको कॉन्टैक्ट करती हैं यार ये हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है तुम्हारे ब्लॉग से रिलेटेड है टेक्नोलॉजी का तुम्हारा ब्लॉग है हमारा भी ये प्रोडक्ट है इसके बारे में रिव्यू लिख दो मैं तुम्हें $200 मैं बोलता हूँ यार हम लोग 500 देते हैं तो इस हिसाब से आपने करते करते 450 आपको दे देते हैं तो 450 में आप एक आर्टिकल लिख रहे हो कम है
45,000 आपको मिल रहा है एक आर्टिकल लिखने से, वो भी दूसरी कंपनी का, वो या वो भी आर्टिकल लिख के देगा आपको खाली पब्लिश करना। सो खाली एड्स सोर्स नहीं है, एड्स के अलावा और भी ब्लॉग के जरिए तरीके हैं रिव्यूज़ के जरिए। दूसरे ब्लॉग का आपने रिव्यू लिखा, जैसा मेरे पास है मैं आपका रिव्यू लिखा, आप बोले मेरे प्रोडक्ट का रिव्यू लिखो तो मैं इतने पैसे दूंगा। तो इस हिसाब से ब्लॉग में एड्स के अलावा और भी तरीके हैं ब्लॉग के जरिए करने से। नहीं, आती है इसमें आप एक पेज बनाते हैं, जैसे आप पोस्ट लिखी है ना वैसे एक पेज बनता है, उसमें कॉन्टैक्ट अस का एक विजिट आती है, वो आपका जो गूगल का अकाउंट होता है ना ब्लॉगर का, वहाँ पे जो भी कॉन्टैक्ट करते हैं वहाँ पे ईमेल आ जाती है, आप उनकी वहाँ से इजीली रिप्लाई कर सकते हैं। नहीं नहीं, आपको सारा ब्लॉगर में मिलेगा, आपको अगर आर्टिकल चाहिए लगे उनको पता नहीं बेसिक का नहीं पता ना, तो आपको आर्टिकल मिल जाएगा, उस आर्टिकल को फॉलो करेंगी ट्यूटोरियल को फॉलो करेंगे आपका कॉन्टैक्ट बन जाएगा। इसके अलावा जब आप इतना कुछ जब आपके ब्लॉग बन गए, व्हाई नॉट टू सेल इट ऑन फ्रीलांसिंग वेबसाइट, जैसे उडेस्क है, एक उडेस्क वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी स्किल सेल कर सकते हैं। आपको आर्टिकल लेने आते हैं, आप बहुत अच्छे आर्टिकल लिखने, आप अभी घर पे जाएं, उडेस्क पे अकाउंट बनाया, सिंपल सा अकाउंट है, बैंक अकाउंट का भी अकाउंट बनाया होगा आपने, बैंक अकाउंट सिंपल सा रजिस्ट्रेशन भरा होगा। वैसे उडेस्क पे जाएं, odesk.com udesk.com पे जाएं, साइन अप करें, अपने रजिस्टर करें, अपनी स्किल बताएं कि यार मुझे कंटेंट राइटिंग आती है, मुझे फोटोशॉप डिजाइनिंग आती है, मुझे लोगो डिजाइनिंग आती है, स्किल सिलेक्ट करें, टेस्ट वहाँ पे फ्री टेस्ट होते हैं, सब MCQs होते हैं, वो पास करें। वो पास करने के बाद आपको आपको बहुत सारी जॉब्स आएंगी लिखी हुई, आप अपनी कैटेगरी से रिलेटेड जॉब सर्च करें, अप्लाई करें। एक बंदे ने जॉब दी हुई है मुझे लोगों बना के दो, मेरा बजट है $1,000, मतलब $10,000 उसका बजट है। आप सेम आपने प्रपोजल उसको दिया, मैं करूँगा 50, मैं इसको 5,000 में करके दे दूँगा, आपने उसको थोड़ा कम दिया, आपने उसको बोला मैं इतनी मेरी एक्सपीरियंस है, आपने उसको थोड़ा अपने बारे में बताया, थोड़ा बोला मेरी स्किल्स हैं, और आपने उसका फंड निकल दिया। दैट्स द वे ऑफ रीचिंग अ ऑडियंस, रीचिंग अ क्लाइंट। शुरू में आपने उसको कम पैसे दिए, अब वही क्लाइंट आपके पास दोबारा आया, आपने उससे बोला आप मैं ज़्यादा दूंगा, क्योंकि उसको पता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो। दैट्स हाउ यू रीच क्लाइंट। जी बिडिंग, जी वो बिडिंग ही बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कम बिड करो, आप कम बिड करो, उसको काम पसंद आ रहा है, बाहर के लोग ऐसे ही होते हैं, काम अच्छा करोगे दे विल गिव यू अमेजिंग ऑफर, आपको एक प्राइस देंगे जो जो आपको काम भी आएगा, उनको मदद करेगा अगर आपको काम उनका पसंद आ रहा है। इसके अलावा अगर आप डेवलपर हो, आप एंड्रॉयड iOS के डेवलपमेंट करते हो, तो एक आर्ट अभी आपने न्यूज़ पढ़ी हो, एक 8 साल के बच्चे ने एक फुटबॉल का ऐप बनाया, एक 8 साल का बच्चा एंड्रॉयड का ऐप बना रहा है, और हम क्या करें, हमें एंड्रॉयड का मोबाइल चलाना नहीं आता। There is the scene, Android और iOS development सीखे, उसके बाद हम सिंपल ऐप बना के गूगल प्ले पे सेल कर सकते हैं। गूगल प्ले सबने पता होगा, गूगल प्ले क्या है, पता है गूगल प्ले क्या है, प्ले स्टोर है जहाँ से आप डाउनलोड करते हैं, वहाँ पर ऐप सेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो जिनको HTML और CSS आती है वो अपने टैबलेट बनाए themeforest.com themeforest.com पे जाएं, वहाँ पे जाके अपना अकाउंट बनाए, अपनी टैबलेट जो आपने बनाई भी है वहाँ के ऑथर का टेस्ट पास करें, उस फ्री टेस्ट है। टेस्ट पास करने के बाद आप अपनी टेम्पलेट सेल कर सकते हैं, वहाँ पे एक टेम्पलेट आपने बनाई बना दिया जो कि आपकी कीमत रखी 20,000। अब सोचें अगर आपकी वो टेम्पलेट 1,000 लोगों ने खरीदी तो आपके पास $20,000 होता है, एक टेम्पलेट से आपने $20,000 कमाए। क्या चाहिए ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा ऑफिस है ऑस्ट्रेलिया में,
तो यहाँ पे लोगों ने लाखों में चीजें बेची हुई हैं, पाकिस्तानी ने बेची हुई हैं। इस टाइप की कंपनी होती है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज होती हैं, कोई बिजनेस कंपनी होती है, आप जैसे बिजनेस बिजनेस कर रहे हो, लोकल बिजनेस आप यार काम कर, वेबसाइट होनी चाहिए, रिव्यू करना चाहिए आपको। तो आप अचीवमेंट टेम्पलेट यूज करते हो, जब आप अचीवमेंट टेम्पलेट डाल दिया, अपडेट कर दिया वेबसाइट, वो सेम ही रहता है, आप अपडेट नहीं करते वेबसाइट को, जो कंपनी की वेबसाइट होती है। ब्लॉग से डेली ब्लॉग से ये सीन है कि वो डेली टेम्पलेट अपडेट होते हैं, कंपनी वेबसाइट आर अपडेटेड व्हेन देयर इज एनी नीड, डेली अपडेट नहीं होती, वो बना के छोड़ देते हैं। आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसने आपको बोला यार मुझे वेबसाइट बनानी है, आपने उसको वेबसाइट बना के दे दी, अब वो वेबसाइट को बार बार अपडेट नहीं करेंगे, वो टेम्पलेट भी टेम्पलेट आप यूज़ करोगे वो सेम ही आएगा। आपको सर्च करना है, आपको आंसर पहले बताओ, तो आप उसके अप्रूव हो जाएंगे थीम फॉरेस्ट में, उसके बाद आप अपनी थीम अपलोड करेंगे। आपकी थीम क्वालिटी अच्छी थीम होनी चाहिए, अगर अच्छी थीम होगी तो वो पास हो जाएगी, वो पास होने के बाद आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ 10-20 तो सेल तो लाजमी होगी, तो इतना तो रिकॉर्ड हो जाएगा। और अगर आपकी बहुत अच्छी हुई 1000-2000 से लाजमी होनी है। और प्राइस अराउंड $20 एस्टिमेट, थीम की प्राइस $20 होती है, $20 इज इक्वल टू 2000 रुपीज। उसके अलावा अगर आपको नॉलेज चाहिए किंडल स्टोर पे आप ई बुक्स का सुना है किसी ने? आप ई बुक्स लिख सकते हैं, 5 पेज की ई बुक लिखी किंडल स्टोर पे, KINDLESTOR किंडल स्टोर गूगल पे सर्च करें आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर आप जाके ई बुक अपलोड कर, ई बुक अपनी लिखी आपने 10 पेज की कोई सी भी बुक किसी भी टॉपिक पे, आप अपने फाइनेंस टॉपिक पे लिखते हैं, आप किसी भी टॉपिक पे लिखते हैं, वो आके अपने किंडल स्टोर पे अपलोड करी, वो बिकती है $5, जितनी बड़ी होगी उतनी ज़्यादा, 5 पेज की ई बुक बिकती है $5। तो आपने ई बुक लिख ली, ई बुक लिख के अपलोड करी, अपलोड करने के बाद वो ऑटोमेटिकली सेल हो, एक दफ़ा एक्सेप्ट हो जाए तो 4-5 सेल तो होनी होगी, 4-5 सेल हो गई तकरीबन 3-4 हज़ार पे 5 पेज के आपने उससे कमा दी, और उससे ज़्यादा भी होगी, मिनिमम तो होगी होगी और उससे ज़्यादा भी होगी, अगर आपकी बुक काफ़ी पॉपुलर हो गई, वायरल हो गई। अमेजॉन किंडल स्टोर अमेजॉन है। इसके अलावा आपको स्किल इम्प्रूव करने के लिए आप ब्लॉग रीड कर सकते हैं, ब्लॉगिंग आपको सीखनी है तो माय ब्लॉगर है, मेरा ब्लॉग है problogger.com, किसी भाषा ब्लॉग है smashable.com का नाम सुना होगा किसी ने, smashable.com बहुत बड़ी वेबसाइट है, पीटर कैसो की वेबसाइट है, उसने 2005 में स्टार्ट करी और अभी वर्ल्ड नंबर वन सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की वेबसाइट है Mashable। और W3 School जिसको CSS HTML PHP JavaScript जो भी वेब डेवलपमेंट सीखनी है वो W3School.com पे जाके सीख सकते हैं। इसके अलावा वही डायरेक्ट ऐड क्या होते हैं, ये साइड में ऐड आ रहे हैं, जैसे देखें ये कंटेंट इस चीज़ है, ये एक कंटेंट है उसके रिलेटेड ही ऐड आ रहा है, तो मतलब ये चीज़ है कि ऐड हमेशा सिमिलर आते हैं, बिल्कुल इररिलेवेंट ऐड नहीं आते, तो जो बंदा आपका कंटेंट पढ़ रहा होता है उसके पास दो ही चीज़ आ रही है, उसके साइड में अगर उसको इंटरेस्ट है तो उसके ऐड क्लिक करके जाए और वो भी पढ़ लें, ये आपके ये गूगल ऐड का नहीं है, आपका गूगल प्रोवाइड करता है आपकी पूरी सर्विस, और यू नीड टू डू टू पुट अ चंक ऑफ कोड दैट इज प्रोवाइडेड बाय गूगल हियर, और यहाँ पे आप पीछे आपके ब्लॉग में सेटिंग में जाके और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड कर दें और उससे ऐड कर दीजिए। इसके अलावा आपको HTML CSS आ गया, आप फैंसी है वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट करने के आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद आप ऑनलाइन कंसल्टेंट बन सकते हैं, मैं एक ऑनलाइन कंसल्टेंट भी हूँ, मैं एक आपसे स्काइप पर लूँगा 1 घंटे की, मैं आपसे $200 लूँगा, मतलब एक स्काइप 1 घंटे की कॉल के $20,000 जस्ट फॉर क्या, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, आपको प्रूफ करूँगा, आप किसके लिए प्रूफ करूँगा, सिर्फ 1 घंटे आप किसी को कॉल करके स्काइप कॉल पर कंसल्टेंट दे रहे हो उसके $20,000 दे, आपको आता है HTML आता है CSS आता है, आप एक बंदा आपको हायर कर रहा है यार मुझे ये नहीं आता, तो आप 1 घंटे में उसको कंसल्टेंट दे रहे हो, उसकी हेल्प कर रहे हो, उसको आप उसकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ सिखा रहे हो, उसको कहते हैं ऑनलाइन कंसल्टेंट, आप स्काइप के जरिए उसको सिखा सकते हो, ये भी चीज़ें उडेक्स पे होती हैं, उडेक्स पे लोग को समझ नहीं आता कि उसको कंसल्टेंट मांगते हैं, उसके जरिए आप ऑनलाइन कंसल्टेंट भी कर सकते हो, मतलब जो चीज़ आपको आती है आपको आपको कैसा आता है
एक बंदे को मैसेज नहीं आता अब उसको वो ऑनलाइन सिखा सकते हैं दैट्स कॉल्ड ऑनलाइन कंसल्टेंसी इसका प्लेटफॉर्म डेस्क है ना freelancer.com है डेस्क है और भी बहुत सी प्लान लेकिन सबसे अच्छी ओडेस्क है पाकिस्तान के लिए तो ओडेस्क.com पे आप ट्राई करें उसके अलावा ये एडवर्टाइजमेंट कंपनीज है आप पूछते हैं यार ऐड कहाँ से है ऐड यहाँ से है नंबर वन है गूगल एडसेंस अगर आपके गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाए दैट्स द बेस्ट थिंग इसके अलावा अगर आपको ये मिल गया तो फिर तो मन ही लग जाएगा भाई अगर आपको buyslide.com मिल गया तो उसमें मजा है मैं एडसेंस यूज़ नहीं करता क्योंकि मैं मुझे अलाउ नहीं एडसेंस यूज़ करता मेरा मेरा डोमेन बैन है क्योंकि क्योंकि मैंने एग्रीमेंट नहीं पढ़ा था इसलिए मेरा डोमेन बैन है तो मैं लकी था कि मेरे पास buyslide था buyslide इज वे बेटर देन गूगल एडसेंस बट buyslide का अप्रूवल बहुत मुश्किल है इसलिए मैं आप लोगों को अभी गूगल खाली रिकमेंड करूँगा यूज कर ले प्रॉक्सीज भी गूगल पकड़ लेता है नहीं गूगल पकड़ लेता है मैंने तो देखा नहीं वो भी पकड़ लेता है कुछ कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल हैकर टाइप होते हैं वो शायद ब्लफ कर दें लेकिन मोस्टली गूगल पकड़ लेता है मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं गूगल का इनकॉग्निटो मोड भी होता है ना वो तो हमारे में अपने नहीं होता है वो ये होता है कि हिस्ट्री सेव ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई से डिफिकल्ट है यार ये एक्सेप्ट नहीं करते पाकिस्तान में एडसेंस आपको हर पब्लिशर के पास मिलेगा हर किसी की पब्लिशर के पास हर किसी के पास मिलेगा buyslide नहीं मिलेगा क्यों ये मुश्किल से मिलता है पाकिस्तान में मुश्किल से 3 से 4 लोगों के पास है buyslide इसमें से मैं ही हूँ मैं लकी था कि मुझे 2 साल पहले मिल गया अगर नहीं मिलता तो शायद मैं भी छोड़ देता क्योंकि मेरा एडसेंस बंद हो गया तो अगर आपको ये मिल जाए ना buyslide तो एडवर्टाइजर कहीं नहीं रहेगा इसकी टिप्स सारी मेरे ब्लॉग पर पड़ी हुई सारे आप सर्च करो buyslide मेरे ब्लॉग पे जाओ ना सर्च करने बना हुए buyslide सर्च करना सारी टिप्स डाली मैंने सीक्रेट्स भी डाले हैं कि कैसे इसको हासिल करें कि आप ब्लॉग किया मेरा ब्लॉग माय ब्लॉगर डॉट कॉम अच्छा ये अगर मेरा भी जो फ्री ब्लॉग बना रहा है stand.com अभी मैं आपको डोमेन सवाल पूछूंगा आप अगर आप सवाल सीखे जब आप सवाल का सही जवाब दोगे आपको डॉट कॉम डोमेन दे दी सर buyslide अप्रूव हो गया आपके ऐड से अच्छा buyslide में ये सीन है कि ऐड क्लिक होने की जरूरत नहीं जैसे आपका एक ऐड स्पॉट है जैसे आपका ये एक्सपोर्ट है ये ऐड स्पॉट आप बेच रहे हो $10,000 बेच रहे हो कोई आएगा वो स्पॉट खरीदेगा तो आपको $1,000 देगा ये नहीं देखेगा कि क्लिक कितने हो रहे एक दफा आपने खरीद लिया ये स्पॉट तो आपको लास्ट $1,000 देगा ही देगा ये तीन जो है इनके अप्रूवल आसान है buyslide में अप्रूवल मुश्किल है लेकिन अगर एक मौका मिल गया तो बस सही है उसके अलावा जितनी आप स्किल डेवलप करेंगे उतनी आपको पैसे मिलेंगे
जितने आपके पास स्किल्स होंगी उतने ही आप पैसे बनाएंगे। अब अप्लाई करेंगे अपनी चीज़ों को और मिनिमम 6 महीने में 120 डेज में 4 महीने में आपके पास कुछ कमा देंगे। अब इतनी तो हो जाएगा कि यार कुछ आ रहा है, ऐसी समझना आ रहा है, कुछ रिसोर्सेज बन रही हैं, कुछ अर्न हो जाए। तो एक आपको यूनिवर्सिटी को, जैसे मैं यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं आज अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ, अपनी वेबसाइट को प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसी तरह आप भी प्रेजेंट कर रहे हो। तो इट्स योर टर्न टू मेक योर ओन बिजनेस एंड मेक योर ओन एम्पायर रादर देन वर्किंग फॉर समवन एल्स। तो कितने बंदे हैं जो अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, जो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो दूसरे की अंडर काम नहीं करना चाहते, कितने लोग? ऑलमोस्ट सब ही है। तो सब इंस्पायर्ड हैं, एटलीस्ट कुछ जाके घर पे अप्लाई करें, कोशिश करें, सर्च करें, फेसबुक, यार फेसबुक यूज करो, बस थोड़ा टाइम इसके लिए भी निकालो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। अब मैं थोड़े सवाल पूछूंगा, सवाल के बाद मेरे पास मेरे दो दोस्त, मेरे दो आ जाए, दोस्त है कैंडी का दोस्त है, मेरे साथ पढ़ता है, तो हम लोग आपके लिए टी शर्ट लाए एम्बेडिजन की, प्लस वुमेन भी देंगे, वुमेन गिवन भी करेंगे, तीन वुमेन दे देंगे, आमिर जैकेट की तरह दो टी शर्ट देंगे और यू वेयर तो आमिर जैकेट भाई जो सबसे अच्छा आंसर देगा उसको मिलेगा। बताया वहाँ वो चीज फ्री में क्रिएट कर सकते हैं, गूगल का प्रोडक्ट है बेसिकली। Yeah, 5 minutes, we're out of the way. That's... We're getting up. 5 minutes.